हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। और हम एम लक्ष्मीकांत की बाइलिंगुअल लाइन बाय लाइन सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए हैं। और आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो नए स्टूडेंट हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मास्टर्स में। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है। एमफिल किया है, वहाँ पर भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। नेट जीआरएफ मेरा क्वालिफाइड है, साथ ही पीएचडी अभी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ जो है मिल जाएगी क्लासेस की। अनअकैडमी पर जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं उन सबकी फ्री पीडीएफ मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। इसका नाम मैं आपको बोल देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसका नेम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, यहाँ पर आपको सारी की सारी फ्री पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी। बेहतरीन, डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और बाकी मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी वहीं पर मिलता है। अगर आप इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ स्टडी करना चाहते हैं, बेस्ट टीचर से बेस्ट उन एरिया उनका पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर सेम जगह पर पढ़ाते हैं। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको अनअकैडमी के सभी टीचर्स की क्लासेस मिल जाएगी। उसके लिए करना क्या, आपको अनअकैडमी का ऐप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फिर यहाँ पर ये गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट करके इस तरीके का विंडो आपके सामने, स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा। दो तरीके के कोर्सेज हैं अनअकैडमी पर, एक आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक में अनअकैडमी कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा देती है, जैसे कि आपको पर्सनल मेंटर और आपकी आंसर राइटिंग के लिए आपको एक अलग से फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे आपको मेंस में अच्छा स्कोर मिलता है और आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉट एक तरीके से हो जाता है। तो इसीलिए फीस में भी डिफरेंस है। तो आप जब भी कोई भी कोर्स लेना चाहें अनअकैडमी पर, तो कोर्स लेते टाइम ध्यान रखना कि 2 या 3 ईयर का कोर्स ही लेना, उससे कम लोगे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन करने में 2 से 3 ईयर्स आपका समय लगेगा। हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। किस चीज़ में हेल्प, इस चीज़ को समझिएगा। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो यहाँ पर एक रेफरल कोड अप्लाई करना होता है फीस में डिस्काउंट के लिए। टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके के डिस्काउंट मिलते हैं, कभी 10% 20% वो ऑफर्स आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। मिनिमम 10% डिस्काउंट हमेशा रहते हैं, बाकी ऑफर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर एक कोड लगाना है, तो यहाँ पर एक मैजिकल कोड लगाना है। उस मैजिकल कोड का नाम है LYLIVE, ठीक है। इसको हम बोलते हैं LYLIVE, जादू का कोड, मैजिकल कोड। इसका रीज़न क्या है समझिए। एक तो इस कोड को अप्लाई करने पर आपको फीस में डिस्काउंट हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। साथ ही सारी कंप्लीट जो बुक्स हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, 20 बुक का सेट है अनअकैडमी का, एकदम लेटेस्ट अपडेटेड बुक्स विद बैग आपके घर पे पहुंचा दी जाएंगी। होम डिलीवरी आपके पास हो जाएगी, अलग से कोई फीस नहीं देना। इस रेफरल कोड को लगाना है, बस अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सारे टीचर्स की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में, किसी से भी कोई भी एरिया पढ़ सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा जरूरी, गाइडेंस, एक टीचर की गाइडेंस मिलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूँ भाई, देखो ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो डायरेक्ट, उनकी बात सीधी मेरे से होती है, डायरेक्ट मैं 1-on-1 गाइड करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, तो आप ये रेफरल कोड लगाना, क्योंकि विदाउट गाइडेंस के यूपीएससी की जर्नी बड़ी टफ हो जाती है। गाइडेंस रहेगी तो आपको हर समय एक हेल्प करने के लिए टीचर का सपोर्ट मिलता रहेगा, इवन मोटिवेशन भी आपका डाउन नहीं होने देंगे। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एंड तक लेकर के चलता हूँ, तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, इसको लगाना है। ऑप्शनल कोर्सेज लेना है अलग से सेपरेटली, वो भी ले सकते हैं LY लाइव कोड लगा करके। EMI से भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। अनअकैडमी से कॉल आएगा तो उनसे बात करना, जब भी कॉल आए उनको एडमिशन की जब भी बात हो तो उनको हमेशा बताना है कि आपको LY लाइव कोड लगा करके ही कोर्स ज्वाइन करना है। और बहुत सारे प्रोग्राम रेगुलर चलते रहते हैं, अब इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी की तरफ से, फ्री है। आप सब लोग इसके लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक के में इसके इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, इसको रजिस्टर कर लीजिएगा, फ्री में तैयारी की जाएगी, ठीक है। और 23 मार्च से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हर जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पुराने, ओल्ड, न्यू सारे बैचेस अवेलेबल रहेंगे, जितने टर्म के लिए, जितने टाइम के लिए आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। इंडिया के सारे बेस्ट टीचर से क्लासेज आपको मिल जाएगी। चलिए, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, संसदीय व्यवस्था की। और बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार, इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो एक हाई जोश के साथ आना है आप सबको। हाउस द जोश, कैसे है भाई मेरे दोस्तों, जोश कैसे है, हाउस द जोश। तो हमेशा एक हाई जोश अपने अंदर रखना है, उस हाई जोश के साथ पढ़ाई स्टार्ट करते हुए चला जाना है। लास्ट की जो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, तो होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सही से समझ में आई होंगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से आपने
बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस थे वो हो गए। मेरी साउंड आप सब तक क्लियर आ रही है? मेरे को लगता है शायद साउंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, साउंड क्लियर है। चलिए अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। तो इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, वो पॉलिटिकल सिस्टम अगर आप देखोगे तो हमने उसको चीज़ों को अडोप्ट किया ब्रिटेन से। जब हम आज़ाद हो रहे थे तो उस टाइम हमें अपना स्ट्रक्चर बनाना था कि हम इंडिया के अंदर किस तरीके की व्यवस्था रखना चाहते हैं। तो उस टाइम हमारे सामने वर्ल्ड का कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने थे कि हम हमारी पॉलिटी को कैसा बनाना चाहते हैं। और क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंडर रहे काफ़ी टाइम तक, तो हमें ये पता चला कि एक ऐसी इंडिया का स्ट्रक्चर, इंडिया की सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए लोगों को राइट्स, लोगों को पार्टिसिपेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमेशा ही हम प्रॉब्लम में रहेंगे और हमारी कंट्री अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। और भी कई सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमने और ब्रिटिशर्स का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको अडोप्ट किया, लेकिन एज इट इज़ अडोप्ट नहीं किया, उसमें कुछ चीज़ें चेंज करते हुए हमने उसको अडोप्ट किया है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ों को बदलते हुए फिर उसको हमने यहाँ पर अपनाया है अपने इंडिया की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। एज इट इज़ हम कोई भी चीज़ नहीं लेते, हम समझदार लोग हैं, इंडिया के लोग समझदार लोग होते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स जो थे वो भी समझदार थे। हम हर चीज़ में अपना एक झलक इंडियननेस उसमें ज़रूर लेकर जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई। अब इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड इन द स्टेट। तो सबसे पहली चीज़ आपकी ये क्लियर हुई कि सेंटर के लेवल पर भी और स्टेट के लेवल पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भारत के अंदर। कोई किसी तरीके का डिफरेंस या डिफ्रेंशिएट स्टेट और यूनियन के अंदर नहीं किया गया है, संसदीय व्यवस्था है। अब इसके लिए दो आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट, उसको याद रख लेना। आर्टिकल 74 एंड 75 डील विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट सेंटर एंड आर्टिकल 163 एंड 164 इन द स्टेट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ें, मेन प्रोविजंस आपको यहां पर इन आर्टिकल्स में देखने को मिल जाते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अभी करंट में जितनी भी गवर्नमेंट है ना, उनको मोटे मोटे तौर पर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, टू टाइप्स में, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी और भी फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कोई डिक्टेटरशिप टाइप के लोग होते हैं जिसमें तानाशाह चलता है ना, जैसे कि किम जोंग, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वहाँ का अगर आप देखोगे तो वो एक फॉर्म उस तरीके की भी है। मिलिट्री रूल, वो भी काफ़ी सारे उसमें आप देखोगे तो चलता रहता है ना। लेकिन हम यहाँ पर बात करें डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, तो डेमोक्रेसी जो आज के टाइम में, उनमें आपको दो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। नॉर्थ कोरिया में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, चाइना की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी दिखावे वाली डेमोक्रेसी, वहाँ पर भी कोई डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पर भी सिंगल पार्टी रूल है और एक ही पर्सन अब तो लाइफ टाइम वहाँ के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप का ही एक नया जो है फॉर्म है वो। लेकिन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब है जिसमें पावर किसके पास होती है, लोगों के पास, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, पावर टू द एंड बाय पीपल, यानी कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। बहुत फेमस कोट है अब्राहम लिंकन, अगर आपने नाम सुना हो तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में मेन पावर किसके पास है, लोगों के पास। उसमें लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको एक राइट दिया जाता है वोट करने का, ठीक है, और जो आप जैसे ही एक सर्टेन एज क्रॉस करते हैं, इंडिया के अंदर वो एज 18 साल है, 18 ईयर्स है, जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हैं तो मान लिया जाता है कि भाई अब आप अडल्ट हो गए हो, अब आप जवान हो गए हो, अब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। आप में भी आता है कई बार, आप भी जैसे जैसे यंग एज में जाते हैं तो बचपन में हो सकता है आपके फैमिली वाले आपको कुछ चीज़ें करने से रोक देते हो, मना कर देते हो, कहते हो तुम तो बच्चे हो, नहीं समझ में आएगा, नहीं होगा। फिर आप लोग अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो, गुस्सा आ जाता है अंदर से,
और जैसे 18 प्लस होते हो फिर उसके बाद अगर कोई आपको रोक टोक करता तो फिर बोलते हैं हम तो बालिग हैं, अडल्ट हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए। ये चीज़ समझते हैं, ये एक धारणा, एक इस तरीके की भावना आपको नॉर्मल हर जगह पर देखने को मिलती है। खास करके प्यार मोहब्बत करने वाले लोग 18 साल की उम्र का ही इंतज़ार करते हैं कि जैसे 18 साल की उम्र हुई बस, फिर उसके बाद तो हम कुछ भी करें हम इस पॉइंट पर लोगों को चुप करा सकते हैं कि अब हम अडल्ट हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, अब आप हमारे काम में, हमारी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, अब हम अपनी मर्जी से भी चीज़ें कर सकते हैं। तो 18 ईयर्स का होने पर आपको वोट देने का राइट मिल जाता है। जब आप वोट करते हैं तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर आपको मैक्सिमम स्टेट्स में यानी मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। ठीक है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, प्रतिनिधियात्मक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो हैं वो वोट डालते हैं किसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालते हैं, ठीक है, इलेक्शन में। अब ये रिप्रेजेंटेटिव जब जीत जाता है तो विन करने के बाद ये क्या जाता है, पार्लियामेंट में जाते हैं, और पार्लियामेंट में जिसके पास मेजोरिटी होती है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, ठीक है, मेजोरिटी जिस पार्टी के पास है वो गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, और वो काम वहां पर करती है। और बेसिकली पार्लियामेंट ही लॉज को बनाने का काम, कानून बनाने का काम, ठीक है, जो कंट्री को चलाने से रिलेटेड, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो एक्ट हैं, कानून, वो सारा बनाने का काम पार्लियामेंट में होता है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आपके ऊपर रूल करने वाले लोग जो हैं, गवर्नमेंट जो है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड है। इलेक्ट किसने किया, पीपल्स ने, सिटीजन्स ने किया, ठीक है, जो सिटीजन है, इन सिटीजन्स ने आपको इलेक्ट किया वोटिंग के माध्यम से। अब इनको इलेक्ट करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से इलेक्ट किए जा सकते हैं, उन बेसिस के ऊपर आप देखोगे डेमोक्रेसीज को डिवाइड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इनका डिफ्रेंसिएशन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन, इन दोनों के बीच का विभेद जो किया जाता है, उस विभेद, उस डिफ्रेंसिएशन का मेन जो एक तरीका है वो क्या है, इनका रिलेशन कैसा है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के साथ, है ना, इनके उस रिलेशन के बेस पर ये चीजें की जाती हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर द पॉलिसीज एंड एक्ट। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, ये वाला फॉर्म अगर हमने बात किया इस तरीके से, रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट हुए पार्लियामेंट में गए और मेजोरिटी वाली पार्टी ने सरकार बनाई, यानी गवर्नमेंट हो गई एग्जीक्यूटिव। अब ये गवर्नमेंट कैसे बनी, जब इसको पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी थी, अगर पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं होती तो गवर्नमेंट नहीं बन पाती। इसका मतलब जो ये है एग्जीक्यूटिव, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है पार्लियामेंट के लिए। अगर पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं तो गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट में मेजोरिटी है तो गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वहां पर एग्जीक्यूटिव अलग से सेपरेटली इलेक्ट होता है और पार्लियामेंट के लोग जो हैं मेंबर वो अलग से सेपरेटली इलेक्ट होते हैं, और वहां पर गवर्नमेंट बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट की मदद नहीं चाहिए होती है, पार्लियामेंट की सहारा नहीं लेना होता है। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म ऑफ ऑफिस। यानी कि लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव जो है, यानी कि प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं हम, जैसे अमेरिका में ये फॉर्म है, लेजिस्लेचर में उसकी पार्टी के पास चाहे मेजोरिटी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भाई प्रेसिडेंट अगर एक बार इलेक्ट हो गया तो वो तो हो गया, अब उसको तो इम्पीचमेंट प्रोसेस से ही आप हटा सकते हो, वैसे आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, चाहे उनकी पार्टी के पास लेजिस्लेचर में मेजोरिटी हो या ना हो, ये इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है। तो
हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम की ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हम हमारी कंट्री के ही सिस्टम को लेकर के चलते हुए चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट एंड इज प्रिवेलेंट इन ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया अमंग्स अदर्स। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन, जापान, कनाडा जैसे देशों में ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को ही अपनाया गया है। इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। कैबिनेट गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली जब सरकार बनाई जाती है, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है और जब उसकी वो पावर में आते हैं, सरकार बनती है, तो उस सरकार में सारे के सारे डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो उसके कैबिनेट के पास होती है। कुछ ही मेन जो मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री, पीएम और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वही सब लोग मिलकर के मैक्सिमम चीज़ों में डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। बाकी लोग तो एक तरीके से बस उनको फॉलो करते हैं, उनका अलग से कोई वैल्यू उनके थॉट प्रोसेस को नहीं दी जाती है, उनके आइडियाज़ को नहीं दी जाती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है कि जिम्मेदार है, लोगों से इलेक्ट होकर के आई है, और अगर वो लोगों के लिए वर्क नहीं करेगी तो पार्लियामेंट में उनको जो लोग हैं, लोगों का विश्वास है, जो मेंबर्स हैं, वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, है ना। लोग अगेंस्ट होने का मतलब ये कि पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है, तो मेजोरिटी नहीं होगी तो सरकार गिर जाएगी। ये चीज़ें इसके बारे में कहा जाता है। द प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिस्पॉन्सिबल एंड नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड इज प्रिवलेंट इन USA, ब्राजील, रसिया, श्रीलंका अमंग अदर्स। अब यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये मत समझ लेना कि गैर जिम्मेदार है, काम ही नहीं कर रहे। नॉर्मली हम रिस्पॉन्सिबल और नॉन रिस्पॉन्सिबल को इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। रिस्पॉन्सिबल को सबको लगता है यार ये तो बड़ा अच्छा लोग है पर्सन्स के मामले में, यार रिस्पॉन्सिबल बहुत वेरी गुड, सही तरीके से सोचता है, काम करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और नॉन रिस्पॉन्सिबल को हम समझते हैं यार ये तो बड़ा, इसको पता ही नहीं अपने काम के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, है ना, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्सिबल का मतलब वो नहीं है। गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट है वो लोगों के लिए, पीपल के लिए, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल, उनके लिए अच्छे वर्क करने के लिए होता है, लेकिन वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव जो है उसको अपनी पोस्ट पर बने रहने के लिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं चाहिए, पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये उसमें फॉर्म है। USA, रसिया, श्रीलंका में ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आइवर जेनिंग्स एक पर्सन है और आइवर जेनिंग्स ने इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको कैबिनेट सिस्टम भी कहा गया है, बिकॉज द कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्योंकि संसदीय व्यवस्था में उस सत्ता का, पावर का मेन सेंटर, केंद्र बिंदु है। अगर भारत के अंदर भी आप देखोगे तो सरकार बनती है, अभी अगर करंट की भी गवर्नमेंट आप देखोगे तो उनके पास फुल मेजोरिटी है। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी MPs गवर्नमेंट के अंडर है सब लोग अपनी बात रखते हैं वहां पर, सब लोग खुलकर के सारी चीजें बोलते हैं तो उनके सारी बातों को माना जाता है? ऐसा नहीं है, वो बेसिकली केवल ऑर्डर फॉलो करते हैं। मेन काम जो है, मेन वर्क जो है वो किया जाता है कैबिनेट के थ्रू। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता देता हूँ, इसको समझिएगा। कैबिनेट के अंदर जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से हमारा मेन मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तीन टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, एक कैबिनेट, दूसरा स्टेट और तीसरा उपमंत्री। ठीक है, तो जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं और जो उपमंत्री हैं, सब मिनिस्टर्स हैं, वो बेसिकली हेल्प करने के लिए ही काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। जो मेन मिनिस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, वो इन्हीं के पास होती हैं और ये कुछ ही लोग होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसको आप बोलते हो, ठीक,
तो ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज केवल कुछ ही लोगों को, कुछ ही पर्संस को दे दिए जाते हैं, और वही मिनिस्टर्स जो हैं मैक्सिमम पॉलिसी मेकिंग में और बाकी सब चीज़ों में उन्हीं का ही रोल रहता है, और उसमें भी पीएम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए बाकी के जितने भी लोग रहे ना, वो बेसिकली एक तरीके से फॉलोअर होते हैं, उनके पास तो ऑर्डर आता है, कैबिनेट ने एक ऑर्डर दे दिया तो वो उनको मानना ही मानना है, फाइनल है, वो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक। इसीलिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आजकल इसको कहा जाने लग गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। और इस चीज़ में ध्यान रखना कि ये तो सेम ही चीज़ आ गई उसको, कि द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड इट स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट इन्जॉय द लेटर्स कॉन्फिडेंस। सेम चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे आगे भी एक पॉइंट में। इसका मतलब सिंपल सा है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि पार्लियामेंट के में अगर इनको मेजोरिटी नहीं होगी तो इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, गवर्नमेंट नहीं रहेगी, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में इनको गवर्नमेंट पावर में बने रहने के लिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी चाहिए, दैट मीन वो रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। चलिए ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसके बाद काफ़ी सारे लोग इनको कैबिनेट के लिए कुछ कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो अगर आप पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तो इसको, क्योंकि हम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर भी पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री का चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। इन द पास्ट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर्स एज प्राइमस इंटर पेरिस पेरिस फर्स्ट अमंग इक्वल्स इन रिलेशन टू द कैबिनेट। वो ये बोलते हैं कि कैबिनेट के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें सबसे वो सारे इक्वली पावरफुल हैं, लेकिन उन सब में भी सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन कोई है तो वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, फर्स्ट अमंग इक्वल उसको कहा जाता है। और आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं, इन द रिसेंट पीरियड द प्राइम मिनिस्टर्स पावर इन्फ्लुएंसेस एंड पोजीशन हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। डेमोक्रेसी में आजकल क्या होने लगा है कि जिस भी पार्टी के पास फुल मेजोरिटी आ जाती है, मेरे दोस्त इस चीज को समझिएगा, अगर किसी भी पार्टी के पास फुल मेजोरिटी आ गई तो उसका मतलब समझिए कि उसमें केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंडिया की अगर हिस्ट्री को आप उठा करके देखेंगे तो स्टार्टिंग से आप देखिए, जब जब फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट रहेगी तो वो गवर्नमेंट बेसिकली प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री थानोस बन जाते हैं, सुपरमैन बन जाते हैं, और प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे वो काम वो करवा लेते हैं, उनको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट होती थी तो जवाहरलाल नेहरू ही सब कुछ डिसीजन लेते थे, उनके अगेंस्ट कोई कुछ कर नहीं सकता था। फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती थी तो उनके बारे में तो ये कहा भी जाता था, इंदिरा इज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज इंदिरा, इंदिरा ही सरकार है। इवन लोग बोलते थे कि इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, भारत, इंदिरा एक भारत है, इस तरीके से भी लोग उनको बोलते थे। वो ये दिखाता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, उनके डिसीजन ही फाइनल, जो वो सोचते थे वो कर लेते थे, चेंज नहीं करा सकते थे। बाकी मिनिस्टर्स जो हैं वो चाहे कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, उनकी जो सोच है या उनकी थॉट प्रोसेस है, उनके व्यूज हैं, वो मैटर नहीं करते थे, केवल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का करता। ऐसे ही करंट में भी आप देखोगे तो करंट में फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तो नरेंद्र मोदी बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो मैक्सिमम डिसीजन, मैक्सिमम वर्क जो है वो उन्हीं के ही विजन के ऊपर होता है। इवन इलेक्शन भी जब लड़ा जाता तो नरेंद्र मोदी के नाम से ही इलेक्शन लड़ा गया, और तो वो ये दिखाते हैं कि वो किस तरीके से आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर जो है मेन फोकस हो गए हैं। लेकिन जब जब कोलिशन गवर्नमेंट रहेगी, यानी कि गठबंधन की सरकार जब जब बनती है, तो उस गठबंधन की सरकार में आपको एक चीज़ समझना है, उस टाइम गवर्नमेंट का फॉर्म जो है वो प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म नहीं रहता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर हो जाता है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि भैया प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होगा या कमज़ोर होगा, लेस पावरफुल होगा।
तो जब जब कोलिशन गवर्नमेंट आएगी तब तक, गठबंधन की सरकार जब जब आएगी तब तक प्रधानमंत्री इतने पावरफुल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही फुल मेजोरिटी आएगी तो प्रधानमंत्री एकदम फुल बाहुबली टाइप्स के पर्सन बन जाते हैं, वो बड़ी हुई है, ठीक है, इस तरीके की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, इस तरीके की भूमिका निभाते हैं, सब कुछ वही करते हैं, सारा का सारा शासन उन्हीं के कहने पर चलता है। जैसे ये दिखा रहे हैं ना डोला, तो ये बेसिकली बता रहे प्रधानमंत्री की पावर को दिखा रहे कि ये देखो पावर, सब कुछ जो करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। और इवन ऐसे टाइम में जो फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती है, तो आप देखना कि जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी वही पर्सन इलेक्शन जीतता है जिसको प्राइम मिनिस्टर अपना कैंडिडेट बताता है, वो बोलता है कि हाँ भैया ये हमें पसंद है, तो सब लोग उसी को वोट डालते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। सेम कोई भी पॉलिसी बनानी हो, कोई भी काम करना हो, सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का। इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, इसके अंदर जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनको अपॉइंटमेंट करने का काम तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर करेगा। प्राइम मिनिस्टर जिसको भी चाहेगा, प्रधानमंत्री जिसको भी चाहेगा उसको मिनिस्टर बना सकते हैं। आप में से कोई पर्सन जो अच्छा है, इंटेलिजेंट है, और प्राइम मिनिस्टर को लगता है यार ये बड़ा अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट है, 25 ईयर क्रॉस कर चुका है या कर चुकी है, एजुकेशन के बारे में अच्छा जानते हैं, चलो आपको हम एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं। इवन चाहे आपने इलेक्शन ना भी लड़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में प्रोविजन है कि बिना इलेक्शन जीते, बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, आप 6 मंथ तक मिनिस्टर रह सकते हैं। तो वो वर्क भी प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। और कितना भी इन्फ्लुएंशियल नेता हो, लीडर हो, अगर उसका प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रधानमंत्री के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है ना, तो प्राइम मिनिस्टर उसको अपनी कैबिनेट के अंदर नहीं लेता है कभी भी। आप इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और जो उसके बिल्कुल खासम खास क्लोज क्लियर करीबी रहेंगे उन सबको वो कैबिनेट के अंदर ले लेता है, चाहे वो इलेक्शन जीते या ना जीते, हार जाए, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ले लेते हैं वो, ठीक है। और फिर राज्यसभा के थ्रू एंट्री करवा देते हैं पार्लियामेंट में उनकी। ये सेम चीज आप देखोगे आज के टाइम में भी, करंट सिनेरियो में भी, ठीक है, प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन जब कोलिशन की गवर्नमेंट होती है, गठबंधन की सरकार होती है, तब प्रधानमंत्री ऐसे कोई भी कदम, इस तरीके का कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। तो भारत में ये सेम चीजें लागू होती है। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर जो है उसको समझिएगा मेरे दोस्त बड़े ध्यान से, वो क्या है, वो है कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, दो तरीके के एग्जीक्यूटिव है भैया भारत के अंदर, ठीक है। अब इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना है और सारे के सारे चीजों को समझते हुए चलना है। इंडिया में दो आर्टिकल हैं जो इसको लेकर के वर्क करते हैं, ठीक है, एक आर्टिकल 53 और एक आर्टिकल 74। मेरे जितने भी प्यारे दोस्त हैं वो सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आर्टिकल 53 क्या बोलता है, आर्टिकल 53 में किस चीज का प्रोविजन है, क्या चीज़ है आर्टिकल 53 के अंदर। मैं आपके एक बार कमेंट्स देख रहा हूँ, देखते हैं कि कौन कौन है एक्टिवली बोलते हैं। चलिए नहीं, तो आर्टिकल 53 में लिखा है कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के अंदर में के अंदर रहेगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है, सारे काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, ठीक। तो इसको देखने से आपको लगेगा कि अरे वाह, प्रेसिडेंट तो बड़ा पावरफुल हो जाएगा इंडिया के अंदर, फुल पावरफुल है, जो मर्जी करना चाहे कर सकता है, ठीक। लेकिन प्रेसिडेंट की सारी पावर्स को एक सिंगल आर्टिकल कंट्रोल में कर देता है और उसको एक तरीके से रबड़ की गुड़िया, जिसको बोलते हैं ना रबड़ स्टाम्प, उस तरीके का रोल प्ले करने के लिए मजबूर जो है, बाध्य जो है वो कर देता है, ठीक है। और वो आर्टिकल है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर ही वर्क करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर ही वर्क करेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जो उसको सलाह देगी, रिकमेंडेशन देगी, वो उस
के अगेंस्ट नहीं जाएगा, उसने कहा वैसे करेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे मेन पर्सन कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है, और प्रधानमंत्री ही उसका मुखिया है, अध्यक्ष है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री जो कहेगा वही चीज राष्ट्रपति को करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो बेचारे केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गए, रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, केवल नाम मात्र के, उनके नाम से काम करवाया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाना, तो हर काम के लिए प्रेसिडेंट को आगे कर दिया जाता है, लेकिन करने वाला जो है वो प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 74, इस ओनली एक सिंगल आर्टिकल ने, आर्टिकल 74 ने पीएम को पावरफुल बना रखा है, और जो हमारे प्रेसिडेंट है उसको एकदम बिल्कुल पावरलेस करके रख दिया है आर्टिकल 74 के ने। तो इसको समझना है, ध्यान से समझते हुए चलना है। दो तरीके के एग्जीक्यूटिव यहां पर देखने को मिलते हैं, एक रियल और एक नॉमिनल, ठीक है, प्रधानमंत्री। और अब इसमें एक चीज समझना है, कई बार आपसे यह चीज पूछ लिया जाएगा कि भारत में राज्य का मुखिया कौन है, स्टेट का हेड कौन है, या कई बार आपसे एक टर्म पूछ ली जाएगी कि गवर्नमेंट का हेड कौन है, सरकार का मुखिया कौन है। तो इस चीज को समझना है, जो प्रेसिडेंट है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वो हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य का मुखिया है, ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री के नाम पर ही सरकार चलती है, सारी चीजें होती हैं, राष्ट्रपति के नाम पर देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझते हुए चलना है। कई बार आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अभी तक जितना मैंने आपको कराया उसके बेस पर ही मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसको बड़े ध्यान से समझते हुए आंसर देने की कोशिश आपको करनी है। उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें पहला कथन आपको दे दिया जाएगा, वी अडोप्टेड ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, या इन इंडिया वी अडोप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, भारत में हमने संसदीय प्रकार की लोकतंत्र को अपनाया है। दूसरा आपसे सवाल आ जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट दे दी जाएगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, उसके अंदर भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड या रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में बोल दिया जाएगा आपसे कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन इज नॉमिनल एंड वन इज रियल, हमारे यहां पर दो तरीके के एग्जीक्यूटिव हैं, एक वास्तविक एक नामांकित। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपको दे दिया जाएगा कि नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट इज ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, कि राज्य के मुखिया जो कि राष्ट्रपति हैं वो कि केवल एक नाममात्र की कार्यपालिका अध्यक्ष है, नाममात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका नहीं है। और इसमें से आपको वो करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे, तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट थी थर्ड, बाकी की सारी की सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट थी, और बाकी इससे पहले की मैंने कौन कौन सी स्टेटमेंट बोली मैं खुद भूल गया, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि क्या क्या स्टेटमेंट्स थी। फोर्थ हम पे मैंने लेटेस्ट कंप्लीट की तो मेरे को पता है कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ पर बनेंगे और आपको बताते हुए चलना पड़ेगा। तो जब भी बात किया जाए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर, कई बार आपको कन्फ्यूज किया जाएगा कि बोला जाएगा कि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, रोंग। कई बार आपसे बोला जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द स्टेट, रोंग। ठीक है, वाइस वर्सा कर देना, इनका उल्टा कर देना है। पीएम जो है वो सरकार का मुखिया, प्रधानमंत्री वो देश का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया। ठीक है, देखो सेम चीज जो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 74 उसमें ये प्रोविजन है, आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स फॉर ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, यानी कि मंत्रिपरिषद के कहने पर ही
राष्ट्रपति जो है कार्य करेगा। अब इसको लेकर के काफी सारी इंपॉर्टेंट चीज है कि द एडवाइस सो टेंडर्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, इस चीज को समझना है। अब यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक डिबेट्स और बेसिक सी कुछ चीजें समझाने वाला हूं, उसको बड़े ही ध्यान से समझना है। देखिए, जब भी हम इस चीज की बात करते हैं ना कि द एडवाइस जो आर्टिकल 74 से प्रेसिडेंट को मिलती है वो उसके ऊपर बाइंडिंग होगी, इस चीज को समझना है बड़े ध्यान से। एक इंटरेस्टिंग सी चीज है इसके पीछे। 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने इंडिया पे लगाई इंटरनल बेसिस पर, तो उस टाइम तक इस तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के कोई मैंडेटरी चीजें नहीं थी। अब इंदिरा गांधी को लगा कि यार क्यों ना अपनी पावर बढ़ाई जाए, तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट करवाया। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ। अब इस 42वें संविधान संशोधन से, 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन ऐड करा दी, और वो क्या ऐड कराया उस चीज को समझिए। उसने, इंदिरा गांधी ने, एक मिनट मेरे को दीजिए, इंदिरा गांधी ने यहां पर क्या किया, इंदिरा गांधी ने यहां पर जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट को लेकर के, तो उन्होंने ये ऐड करा दिया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग रहेगी, फुल एंड फाइनल रहेगी, प्रेसिडेंट उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। अब जब इस तरीके की चीजें हुई तो ये महसूस किया जाने लगा कि यार फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट ही क्यों बनाई, जब बेचारे के पास किसी भी चीज को ऊपर अपना खुद का सोचने समझने डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, सारी की सारी चीजें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही करना है, उसी के अकॉर्डिंग करना है, तो आपने उसकी पोस्ट ही क्यों बनाई, इससे अच्छा तो पोस्ट ही हटा दो, पोस्ट ही रिमूव कर दो यहां पर, ठीक है। तो ये चीज भी, इसलिए जब नया इलेक्शन होता है और एक नई गवर्नमेंट बनती है मोरारजी देसाई की, और वो फिर क्या करते हैं 44th अमेंडमेंट करवाता है, 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर, और उसमें एक चीज जोड़ दी जाती है प्रेसिडेंट की गरिमा सम्मान, उसकी पोस्ट को उसको बनाए रखने के लिए। और क्या जोड़ते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, द एडवाइस टू द टेंडरेंट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बाइंडिंग रहेगी प्रेसिडेंट पर, बट ही कैन सेंड बैक द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन एटलीस्ट फॉर वन टाइम। यानी कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को एक बार के लिए रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए भेज दे सकता है। तो वो एक इसको डिस्क्रिशन, एक पावर दी गई। लेकिन अगर सेम सजेशन, सेम एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा से अगेन प्रेसिडेंट को देगा, तो उसको मानना पड़ेगा, बाइंडिंग रहेगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये सारी चीजें ये बताई गई हैं कि ये मेन पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दी गई है, एग्जीक्यूटिव को दी गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे मेन हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो अल्टीमेटली सारी पावर उन्हीं के पास है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन्हीं के कहने पर प्रेसिडेंट करेंगे। इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल हेड होते हैं। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि क्या इंडिया में प्रेसिडेंट हमेशा नॉमिनल ही रहते हैं? अब नॉमिनल हेड तो हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो क्या वो हमेशा पावरलेस ही रहेंगे? क्या पीएम एवरी टाइम, हर टाइम पावरफुल रहेगा? तो इसका आंसर देने के लिए हमें सिचुएशनल चीजों पर जाना पड़ेगा। कुछ सिचुएशंस होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि पीएम स्ट्रांग होगा कि प्रेसिडेंट स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर हम बात कर लेते हैं तो एक तो लोकसभा में जो मेजोरिटी है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो जो है ये मेजोरिटी जो है ये बताएगी, बहुमत ये तय करता है कि प्रेसिडेंट पावरफुल होगा या प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होगा। अगर आपके पास फुल मेजोरिटी है तो प्रेसिडेंट उस टाइम बड़ा ही एकदम, कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल लो प्रोफाइल होकर के वर्क करते हैं, कुछ भी ज्यादा एक्टिवली वर्क नहीं करते, अपना डिस्क्रिशन कुछ रखते नहीं है, जो पीएम कहते हैं उस तरीके की चीजें करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोलिशन की गवर्नमेंट आती है, गठबंधन की सरकार आती है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट को पता है कि हाँ अब मेरे पास मौका है, अब मैं पावर दिखा सकता हूं, क्योंकि गठबंधन की सरकार में
प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने बल पर, अपने दम पर, अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग पार्टीज, अलग अलग अलाइज जो हैं उसके, उनके साथ समझौता कॉन्ट्रैक्ट करके उसको वर्क करना होता है। अब ऐसे में प्रेसिडेंट को पता है कि अब मैं अगर यहां पर किसी चीज के लिए बात करूंगा तो कोई भी जो रूलिंग पार्टी वो मेरे अगेंस्ट इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं करवा पाएगी, क्योंकि उनको पता है इंपीचमेंट प्रोसेस कोई आसान प्रोसेस है नहीं, हटाने का काम इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में उस टाइम थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की कोलिशन गवर्नमेंट थी तो उस टाइम दो मामले ऐसे हुए, एक नारायणन जब राष्ट्रपति थे और एक जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, उन दोनों ने दो मामले ऐसे हुए जिन दो मामलों पर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने जो सजेशंस उनको दिए थे उन सजेशंस को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं भारत के अंदर, मेजोरिटी डिसाइड करती है कि पीएम स्ट्रोंग होगा कि नहीं। अगर मेजोरिटी ज्यादा है ठीक है तो पीएम स्ट्रोंग होगा, और अगर मेजोरिटी कमजोर है, वीक है, अगर फुल है, फुल होगा तो पीएम पावरफुल होगा। अगर एकदम मेजोरिटी नहीं है ठीक है, गठबंधन है ठीक है या वीक है, तो प्रेसिडेंट पावरफुल होगा। सेकंड चीज जो है वो डिसाइड करती है कि इन दोनों के बीच में कौन पावरफुल होगा, तो उस चीज को अगर हम लेकर के चलें तो वो डिसाइड करेगा आपका यहां पर सिक्योरिटी है ना, सिचुएशंस, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। जब भी सिक्योरिटी का थ्रेट आता है तो उस टाइम प्रेसिडेंट जो है थोड़ा सा एक्टिव होकर के वर्क करने लगते हैं। जैसे कि 1962 में चाइना के साथ जब सिचुएशन हुई तो उस टाइम हमारे उस टाइम प्रेसिडेंट ने काफ़ी एक्टिव वर्क किया। ठीक है, तीसरी चीज अगर हम बात करें तो एज, ये भी डिपेंड करती है। अगर प्रेसिडेंट की एज बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, तो वो नॉर्मली इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट के वर्क के अंदर। इसीलिए एक टेंडेंसी भी रही कि प्राइम मिनिस्टर जो लोग होते हैं वो क्या कोशिश करते थे कि जो ज़्यादा एज के पर्सन हैं उनको वो वहाँ पर प्रेसिडेंट बनाने के लिए अपनी पार्टी से टिकट देते थे, है ना। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन आपने सुना होगा, और अभी भी बाद में भी, तो बेसिकली जब ज़्यादा एज हो जाती है तो आपका ज़्यादातर समय आपके खुद की ही देखभाल में चला जाता है, आप उतना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, तो ये सारी की ये चीज़ें हो जाती हैं। आपका जो करेक्टर है, व्यक्तित्व है, वो डिसाइड करता है कि आप पावरफुल रहेंगे कि नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू पावरफुल थे, एकदम चमत्कारी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी, तो सेम वैसी ही करिश्मेटिक पर्सनैलिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी थी, वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब दोनों ही करिश्माई, दोनों ही करिश्मेटिक पर्सनैलिटीज, दोनों ही एकदम एक्टिव तरीके से वर्क करने वाले, तो दोनों ने ही पावरफुल भूमिका, पावरफुल रोल प्ले करने की कोशिश की, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट पावरफुल होगा या प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होगा। ये चीज़ों को आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। अगला चीज़ जो है वो है मेजोरिटी पार्टी रूल। अगला जो फीचर है मेजोरिटी पार्टी रूल का, मतलब सिंपल सा है कि द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स मेजोरिटी सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स ए गवर्नमेंट, द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। सिंपल सा मामला है कि जिस भी पार्टी को फुल मेजोरिटी मिल गई वो जीत जाएगा। 273 अगर सीटें लोकसभा के अंदर अगर मिल गई तो आप जीत जाओगे। किसके अंदर, ध्यान रखना लोकसभा की बात की गई है, सरकार केवल लोकसभा में बनती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अंदर ही आपके जो आप डायरेक्टली जिस रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालते हैं वो इलेक्ट होकर के लोकसभा में जाते हैं। तो लोकसभा जो है ना, हाउस ऑफ पीपल्स, लोगों का सदन होता है, इसलिए सरकार भी यही बनती है, सरकार बनाने का काम भी यही होता है। तो जिस भी पार्टी के पास फुल मेजोरिटी आ गई वो सरकार बना लेती है, अगर फुल मेजोरिटी नहीं है तो वो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां या दूसरी पार्टियों के साथ
कोलिशन करती है, गठबंधन बनाती है और फिर मेजोरिटी ले लेती है। अब ऐसे में अगर सिंगल पार्टी है उसके पास मेजोरिटी है तो उस पार्टी का जो लीडर होगा, ठीक है, उसका जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, पीएम बनेगा। अगर गठबंधन दल है, घटक दल हैं, खूब सारे दलों ने मिलकर के, पार्टीज ने मिलकर के इलेक्शन लड़ा और फिर उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई फॉर्म की गठबंधन के आधार पर, तो ऐसे में गठबंधन का जो हेड है उसका जो लीडर है, कोलिशन का जो लीडर है, वो प्रधानमंत्री बनेगा और इसको हमेशा प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे। ठीक, इस मामले में प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल मेजोरिटी आ गई तो सरकार बन गई तो प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, एक मामले में प्रेसिडेंट जो है एक अपनी पावरफुल या अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करता है, जब हंग असेंबली हो। हंग असेंबली का मतलब कि किसी भी पार्टी या किसी भी कोलिशन को फुल मेजोरिटी नहीं मिली, एक ही टाइम में तीन चार पार्टीज ऐसी हैं जिनको ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल सी सीटें मिल गई। अब सारी पार्टीज बोल रही कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट बड़ा पावरफुल हो जाता है। इसको इस तरीके से समझिए, मैं आपको यहां पर चीजें करके समझाता हूं। मान लेते हैं कि टोटल सीट जो है वो 545 है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, लोकसभा के अंदर अब इसमें पार्टी है, अलग अलग पार्टी है। अब इन पार्टीज में ए नंबर की पार्टी है, बी नंबर पार्टी है, सी नंबर पार्टी है और डी नंबर पार्टी है। एक एग्जांपल से समझ लीजिए। अब मान लेते हैं कि ए नंबर पार्टी जो है इसके पास 150 सीट्स हैं, बी नंबर की जो पार्टी है इसके पास 140 सीट्स हैं, सी नंबर की पार्टी है इसके पास 130 सीट्स हैं, ठीक है, और डी नंबर की पार्टी है इसके पास मान लेते हैं 120 सीट्स हैं। ठीक, सीट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, और बाकी जो है वो अदर्स में चली गई। ठीक है, बाकी जो है अदर्स, अदर्स में रिमेनिंग। अब मेजोरिटी तो किसी भी पार्टी के पास नहीं है यहां पर इलेक्शन के बाद, तो सरकार कैसे बनेगी? तो ऐसे में कोशिश की जाती है कि ये पार्टी आपस में बातचीत करते हैं मिलजुल करके, जैसे दो दोस्त बात करते हैं ना आपस में, किसी चीज पर समझौता लाने की कोशिश करते हैं, है ना, पार्टियां बात करेंगे, ए बहन चल तू मेरे साथ आ जा, है ना, चल बहन दोनों मिल करके खेलते हैं, आ जा तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, दोनों भाई मिल करके सरकार चलाएंगे। अब देख, कैसे भी किसी भी तरीके से कोई भी तरीका पकड़ करके वो गठबंधन करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ए को सी का सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, अगर ए को सी का सपोर्ट मिल गया तो इनके पास मेजोरिटी आ गई। हो सकता है कि बी और ए मिल जाए, ये एक दूसरे के साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर ले, कोलिशन बना करके। लेकिन मुद्दा जब अटकता है, जब ये कोई भी कोलिशन बनाने के लिए भी अभी तक रेडी नहीं है, अभी तक इन्होंने क्लियरली कोई कोलिशन नहीं बनाया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है बनाने की। अब उसके लिए ये चारों की चारों पार्टियां, अब मेजोरिटी नहीं है तो ऐसे में प्रेसिडेंट के पाले में गेंद चली जाती है, अब बोल जो है वो प्रेसिडेंट के कोर्ट में चली जाती है। अब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इलेक्शन होने के बाद जब तक मेजोरिटी आप प्रूव नहीं कर देते तब तक आप गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते, तब तक आप प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। इनिशियली क्या किया जाता है कि इलेक्शन के बाद जो मेजोरिटी वाली पार्टी है, बहुमत वाली पार्टी है, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दीजिए। लेकिन यहां पर तो मेजोरिटी है ही नहीं, तो ऐसे में चारों पार्टियां प्रेसिडेंट के पास जाती हैं, उनसे मिलती हैं और चारों की चारों बोलती हैं अलग अलग जाकर के कि यार हम सरकार बना लेंगे, हमारे पास, हम गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, आप एक काम कीजिए हमारे लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। चारों की चारों पार्टियां बने बोलेंगी। अब मामला आ गया प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से कोई भी फैसला ले सकता है, अपनी मर्जी से फैसला ले सकता है। अब अगर एथिकली देखा जाए तो होना तो ये चाहिए कि वो लार्जेस्ट पार्टी जो है इसको इनवाइट करे सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए,
और इसके लीडर को प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दे। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि ये डी वाली पार्टी है, ये ज्यादा अच्छा वर्क कर सकती है, तो वो इसके किसी लीडर को पीएम बना देगा। वो कहेगा कि चलो भाई डी, तुम्हारा लीडर पीएम बना और तुम्हें हम एक महीने का, 1 महीने का टाइम देते हैं, अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दो। अब 1 महीने के अंदर अंदर अगर डी वाली पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के साथ कोलिशन करके, गठबंधन बना करके सरकार बना ली, मेजोरिटी प्रूव कर दी, तो ये लीडर पीएम बना रहेगा, सरकार बनी रहेगी। लेकिन अगर इसने मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई, सरकार गिर जाएगी, फिर किसी और को मौका मिलेगा, ठीक है, किसी और को चांस दिया जाएगा। अब ऐसे में हो सकता है डी समझौता कर ले, डी जो है जाकर के इन दोनों के साथ बातचीत कर ले, बी के साथ, कि एक काम करते हैं हम दोनों मिल जाते हैं और साथ में अदर्स जितने भी रिमेनिंग हैं इनको भी मिला लेते हैं और जैसे तैसे करके बना लेते हैं सरकार, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के कोर्ट में बोल आ जाती है। इस टाइम प्रेसिडेंट बड़ा एक्टिवली वर्क करता है, ठीक है, ये चीज़ समझना है। तो हमारे बहुमत जिसके पास होगा वही शासन करेगा, बहुमत जिसके पास नहीं होगा वो शासन नहीं करेगा। मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी अल्टीमेटली आपको, अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए तो सरकार नहीं चलेगी आपकी, ये चीज समझ करके देख करके चलना है, ठीक है। चलिए, अब जब सरकार बनती है तो बहुमत दल का नेता लीडर जो है वो तो पीएम बन जाते हैं, लेकिन पीएम के अलावा अगर हम बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ना भाई, जैसे आपने कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर ये नाम सुने हुए, तो इन मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन पीएम के कहने पर। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर अपने खास खास लोगों को, अपने सारे पसंदीदा व्यक्तियों को अपने कैबिनेट के अंदर, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर रख लेता है। अब यहां पर भी दो कंडीशन है, इस चीज को समझिएगा। जो मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, तो प्रेसिडेंट तो वही करेगा जो प्राइम मिनिस्टर चाहेगा, लेकिन यहां पर दो कंडीशंस हैं। एक पहली तो है फुल मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी, और दूसरी कंडीशन है कोलिशन। गठबंधन की सरकार, अगर फुल मेजोरिटी की सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, तो सारे के सारे मिनिस्टर वही होंगे जिनको पीएम चाहेंगे, पीएम अपनी पसंद का जो कोई पर्सन होगा उसी को ही मिनिस्टर बनाएगा, उसके अलावा कोई भी उसके अगेंस्ट होगा, जिसके साथ पीएम की नहीं बनती वो नहीं बनाएगा। अभी करंट गवर्नमेंट में आप देखोगे तो भी आपको इस तरीके के एग्जांपल, हर गवर्नमेंट में इस तरीके के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। अभी करंट गवर्नमेंट में भी आप देखना, एक पर्सन है जिन्होंने उस एक करंट पार्टी को, रूलिंग पार्टी को बिल्डअप करने में, उसको बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बड़ा लेवल तक लाने में बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन उन पर्सन की हमारे पीएम के साथ कुछ बनती नहीं थी, उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो रिलेशन अच्छे नहीं होने के कारण उनको ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्री परिषद में लिया गया, ना ही उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उनको रिकमेंड किया गया, ना ही पार्टी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कुछ नहीं दिया गया। यानी कि फुल मेजोरिटी वाले टाइम में पीएम ही थानोस है, जैसे कहते हैं ना गंगाधरी शक्तिमान है। अगर 90s में अगर आप लोग शक्तिमान का सीरियल देखते होंगे, 90s के किड होंगे, तो जैसे हम लोग शक्तिमान देखते थे दूसरों के घर में जा करके, या जिनके घर पर इन्वर्टर बैटरी होता था क्योंकि लाइट चली जाती थी गांव में सीरियल के टाइम, ऐसा बड़ा होता था जब शक्तिमान आ रहा होता ना, 12 बजे आता था शायद संडे को, टाइम चेंज होता रहता था, जब भी शक्तिमान आता तभी लाइट चली जाती थी तो भाग करके इधर उधर जाना पड़ता था, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे छोटे से, एंटीना वाला, ऊपर एंटीना लगा रहता था घर के ऊपर छत पे, और उससे वायर आती थी, नीचे टीवी के ऊपर बूस्टर लगा होता था, उसको गोल गोल घुमा घुमा करके हम सिग्नल पकड़ने की कोशिश करते थे कि क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक पर्सन हमेशा ऊपर एंटीने के पास ही रहता था, वो ऊपर से एंटीने को हिला रहा होता और एक पर्सन नीचे बूस्टर को ऐसे से गोल गोल घुमा रहा होता, बाकी सारे बच्चे सारे लोग टीवी के सामने एकदम एक्साइटेड होकर के बैठे रहते कि देखने के लिए, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है।
एंड और बार बार नीचे वाला बोला थोड़ा एंटीना को और घुमाओ और लेफ्ट करो और राइट करो, आया कि नहीं आया। ऊपर वाला बेचारा घुमाते घुमाते परेशान, वो यही पूछता ऊपर से घुमा करके, सिग्नल आया सिग्नल आया सिग्नल आया। तो उस तरीके की चीजें, यानी कि कहने का मतलब इसमें शक्तिमान जो है ना, पावरफुल जो है शक्तिमान, वो पीएम हो जाता है। लेकिन जैसे ही गठबंधन की सरकार आती है, कोलिशन की गवर्नमेंट आती है, गठबंधन की सरकार में जो बड़ी पार्टी है, जो लार्जेस्ट पार्टी है, वो अलग अलग पार्टीज के साथ, अलग अलग घटक दलों के साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनाती है। उनके सपोर्ट के ऊपर ही मेजोरिटी मिलता है, उनकी सपोर्ट के ऊपर ही सरकार बनी रहती है। अगर किसी भी पार्टी ने सपोर्ट वापस ले लिया तो गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी में आ जाएगी, मेजोरिटी नहीं रहेगी, तो ऐसे में गवर्नमेंट गिर जाएगी, सरकार नहीं रहेगी। तो ऐसे में उस टाइम पीएम की मनमर्जी नहीं चलती है, उस टाइम पीएम थानोस नहीं होते हैं, उस टाइम पीएम जो है ना शक्तिमान नहीं होते हैं। उस टाइम पीएम की भूमिका इंडियन टिपिकल इंडियन फिल्म के उस मजबूर हीरो जैसी हो जाती है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि एक हीरो रहेगा, एक्टर रहेगा, मजबूर है बेचारा, बचपन से लेकर के बचपन में है ना लोगों माता पिता गुजर गए, बड़ा हुआ नौकरी नहीं मिली है ना, फिर प्रेम होने लगा, जिससे प्रेम हुआ उसने प्रेम नहीं किया, उसने दुख दिया है ना, हर कहीं कुछ भी करने जाए हर चीज में वो सताया हुआ रहेगा, परेशान रहेगा। है एक्टर है हीरो, पूरी फिल्म उसी के ऊपर चल रही है, लेकिन बेचारा फंसा हुआ है परेशानियों में हर तरीके से। तो कोलिशन गवर्नमेंट में, गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका उसी तरीके से हो जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्रिपरिषद में, वो अपनी मनमर्जी से सभी मिनिस्टर्स को नहीं रख सकता, कुछ को रख सकता है ना, फ्यू को रख सकता है, लेकिन ऑल सभी को नहीं रख सकता। ऐसे में उसको अलग अलग पार्टीज को कंसिडर करना पड़ता है, उनकी डिमांड्स को कंसिडर करना पड़ता है, और उनके अकॉर्डिंग उनके लीडर्स को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक अच्छी पोस्ट देनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी देनी पड़ती है। कोई प्रधानमंत्री के साथ अगर उसके रिलेशन किसी के बड़े ही खराब भी क्यों ना हो, लेकिन वो किसी दूसरे एक गठबंधन वाली पार्टी, एक कोलिशन वाली जो इनका सपोर्टिंग पार्टी है, उसका मेंबर है, उसका लीडर है, तो प्रधानमंत्री को ना चाहते हुए भी उसको कैबिनेट में लेना पड़ जाता है। तो वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कोई भी एक डायरेक्ट सिंपल ये चीज नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हमेशा ऐसा ही होगा, चीजें टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज यहां पर होती है। तो ये हुआ। जब हटाने की बात आती है, नियुक्ति, तो रिमूवल जो होता है, रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन किसके कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही। बाकी अगर जो गठबंधन वाली मैंने बताया कि दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति इनवाइट करता है, मैंने आपको समझा ही दिया ऑलरेडी पहले। अगली चीज है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत ही बेडरॉक प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, विशिष्ट सिद्धांत जो है वो बोला जाता है। और ये क्या बोलते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना सामूहिक रूप से कलेक्टिवली जो है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आर्टिकल 75 में क्लियर लिखा हुआ है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये है, सिंपल सी चीज ये है कि अगर लोकसभा में आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो आपकी सरकार बनी नहीं रहेगी, आपकी सरकार गिर जाएगी, यानी कि मंत्रिपरिषद जो है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, भंग हो जाएगी, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगी कोई नई सरकार जिसने मेजोरिटी प्रूव की वो। तो लोकसभा में आपके पास मेजोरिटी होना जरूरी है, नहीं तो आप पूरी की पूरी सरकार गिरेगी। सामूहिक उत्तरदायी है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई केवल एक मिनिस्टर या केवल प्रधानमंत्री, उन्हीं को ही इस्तीफा, उन्हीं को ही रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ना, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, हटना पड़ जाएगा, ये मामला है। ठीक है, ये एक टीम है, एक टीम की तरह वर्क करते हैं, एक ही साथ रहते हैं, एक ही तरह काम करते हैं, एक ही साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक ही साथ डूबते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लाइज दैट द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री है ना, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि जब किसी पार्टी के पास, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं होती, तो उसको कहा जाता है कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर मेजोरिटी प्रूव होगी तो सरकार बनी रहेगी, मेजोरिटी प्रूव नहीं हुई तो सरकार गिर जाएगी।
भारत में इस तरीके से हुआ है कई बार। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1990s के अंदर इसी तरीके से गिरी थी, ठीक है, कुछ ही वोटों से रह करके। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर हैं, इनको समझना है। एक प्रॉपर टीम वर्क होता है, कोई सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और यहां पर एक और भी चीज समझनी है कि जो पीएम है वो पीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेनापति होता है, सर्वे सर्वा होता है। अगर पीएम की डेथ हो गई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सारे के सारे मिनिस्टर सब खत्म, सरकार नहीं गिरेगी, ये ध्यान रखना। गवर्नमेंट जो है वो अबोलिश नहीं होगी, गवर्नमेंट क्योंकि मेजोरिटी अगर है तो मेजोरिटी तो है तो सरकार तो बनी रहेगी, बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो डिजोल्व हो जाएगी, वो भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स थे वो किसकी पसंद के थे? वो पीएम की पसंद के थे। अब जब पीएम ही नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी कोई मतलब नहीं है। नया पीएम आएगा वो अपने अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा, अपने पसंद के व्यक्तियों को रखेगा। अगर पीएम ने रेजिग्नेशन दे दिया या उसकी डेथ हो गई, यानी कि उसकी पोस्ट किसी कारणवश खाली हो गई, तो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाएगी, उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फिल्मों में देखते हैं, आप देखते हैं युद्ध होते थे, वार होते थे, उसमें अगर वार के टाइम सेनापति या राजा उसकी डेथ हो जाती थी तो उसकी पूरी की पूरी सेना हथियार डाल देती थी, सरेंडर कर देती थी। सेम यही चीज है, तो इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसॉल्व होना पड़ जाता है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो पीएम की पसंद के अकॉर्डिंग होते हैं। तो पीएम जब नया पीएम आएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, पुराने वालों को क्यों रखेगा भाई, वो नहीं रखेगा। एक और चीज जो अच्छी चीज है वो है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, राजनीतिक एकरूपता। इस चीज को समझना बड़े ही आराम से, बड़ी अच्छे से, कि यूजुअली मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी एंड हैंस दे शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। दो चीजें समझना है, ठीक है। इन केस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट द मिनिस्टर्स आर बाउंड बाय कंसेंसस। इस चीज को समझिए, राजनीतिक एकरूपता क्या होती है। दो तरीके की हमने बात की थी, ठीक। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था दो तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है, एक फुल मेजोरिटी वाली और दूसरी कोलिशन। अब फुल मेजोरिटी वाली पार्टी होगी तो उसके जितने भी मेंबर हैं उन सबका आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा एक जैसी सी रहेगी, तो कोई भी वर्क होगा तो उस वर्क के अंदर इन दोनों इनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी फैसला आएगा उसको मान लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट ये लोग नहीं जाएंगे। जैसे कि अभी अभी जो पार्टी है फुल मेजोरिटी में है, जितने भी मेंबर हैं वो सारे कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो कोई भी काम होता है तो कोई भी डिस्प्यूट विवाद नहीं करता है। जैसे जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन कराना हो, एक बार ऑर्डर आया सब ने फॉलो कर लिया, किसी ने भी अगेंस्ट में नहीं गए पार्टी के लोग, ठीक है। ऐसे ही सीड वाले का आया सब ने फॉलो कर लिया, पीजेंट किसानों का मामला आया, फार्मर लॉज आए सब ने फॉलो कर लिया, यानी कि कोई भी किसी तरीके की चीजें आए वो सब फॉलो करेंगे, उसमें एक रूपता रहती है। अलग अलग तरीके की पॉलिसी या अलग अलग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। जब गवर्नमेंट कोलिशन की होती है इस टाइम थोड़ा सा मामला बिगड़ता है, लेकिन इंडिया में क्योंकि कोलिशन में भी गठबंधन में भी क्या होता है कि एक मेजोरिटी पार्टी होती है, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है। ऐसा नहीं है कि कोलिशन के अंदर इक्वल वोट सीटों वाली पार्टियां फिर मिलकर के पार्टीज बना रही, वो बड़ा मुश्किल, बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि आपके को 273 सीटें चाहिए, तो इसमें हो सकता है कि पार्टी ए जो है इसके पास 200 सीटें हों, पार्टी बी जो है इसका साथ में है उसके पास 50 सीट हों, पार्टी सी जो है इसके पास 20 सीट हो और अदर्स जो हैं उनके पास 3 सीट, यानी तो कहने का मतलब छोटे छोटे जो उनकी सपोर्टिंग जो पार्टीज है उनको मिलकर के सरकार बनी। लेकिन इसमें भी तो मेजोरिटी तो इन्हीं लोगों की है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है, और जो लोग इनके साथ जुड़े हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है ना कि वो आइडियोलॉजिकली इनके साथ
कनेक्ट कर पा रहे हूं, इसीलिए जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं सब चीजों के कारण कोलिशन गवर्नमेंट में भी आप देखोगे पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखने को मिल जाती है। हालांकि यहां पर डिस्प्यूट होने की भी बात होती है, हो सकता है किसी बिल के ऊपर, किसी एक्ट को बनाने को लेकर के, किसी इशू को लेकर के कोई गठबंधन दल, कोई जो सपोर्टिंग पार्टी है वो इनके अगेंस्ट हो जाए, है ना, वो सपोर्ट ना करे, तो ऐसे में उनको सरकार से समर्थन वापस लेना पड़ेगा। तो समर्थन वापस लेंगे, सपोर्ट जो है विड्रॉ करेंगे, तो अल्टीमेटली इनको भी तो नुकसान है, क्योंकि ये अब रूलिंग पावर में नहीं रहे, रूलिंग पार्टी के साथ नहीं रहे तो पावर में नहीं रहे, पावर में नहीं रहोगे तो क्या कर लोगे 20 सीट के साथ। तो अल्टीमेटली ये भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो भी मिल रहा है जैसे भी हो रहा कर लेते हैं। तो कुछ मामलों को छोड़कर के मैक्सिमम में ये सारी की सारी कंसेंसियस जो है वो हो जाती है। एक और चीज जो है वो है दोहरी मेंबरशिप, ड्यूल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता, इस चीज को समझना। द मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। अब इसको बड़े ही ध्यान से समझना है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कौन है और लेजिस्लेचर में कौन है। एग्जीक्यूटिव के अंदर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के अंदर में आ गए। लेजिस्लेचर के अंदर कौन आ गए, इसमें आ गए लोकसभा और इसमें आ गई राज्यसभा, ठीक है, इस चीज को समझिए। और ये बोल रहे हैं कि द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब जो ये मंत्री लोग हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव जिसको हम बोलते हैं, ये कौन है, ये एमपीज ही तो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कौन होते हैं, एमपीज ही तो होते हैं, एमपीज ही तो होते हैं, सांसद ही तो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो होते हैं। इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेजोरिटी ग्रुप जो है वो सरकार बनाती है, और उसी सरकार के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है, एग्जीक्यूटिव बनाई जाती है। एग्जीक्यूटिव के मेंबर किसके मेंबर होते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं अल्टीमेटली। हाँ, एक एक्सेप्शन भी है, लेकिन वो भी सिर्फ 6 मंथ के लिए है, कि कोई भी पर्सन विदाउट पार्लियामेंट की मेंबरशिप के भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ उसको पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, या तो लोकसभा की या राज्यसभा की। अगर 6 मंथ के अंदर अंदर उसने पार्लियामेंट की मेंबरशिप नहीं ली तो फिर वो मेंबर नहीं रहेगा, फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। तो ये यहां पर चीज है, दोहरी ड्यूल मेंबरशिप है। अब जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के साथ उसी का ही पार्ट है, तो ऐसे में बहुत आसान हो जाता है। क्या आसान होता है समझिएगा, ये तो हमने 6 माह वाला देख लिया, इसमें आसान क्या हो जाता है, इसमें इजी क्या हो जाता है, कि जब भी किसी पॉलिसी को लेकर के डिस्प्यूट होने की प्रॉब्लम होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, तो क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास वहां पर मेजोरिटी होती है और वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं, तो नॉर्मली वो ऐसे मामलों में बिल को पास करवा ले जाते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, उसमें जब हम बेनिफिट्स में देखेंगे। अगला देख लेते हैं, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की भूमिका। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर ही सर्वे सर्वा होता है, ठीक है, वो फुल भूमिका फुल वो करता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो प्राइम मिनिस्टर चाहेगा वही होगा, जिस मिनिस्टर को वो अपने पार्टी में, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लेना चाहेगा ले लेगा, जिसको हटवाना चाहेगा उसको हटा देगा, लीड करता है प्राइम मिनिस्टर ही सारी चीज़ों, लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो उस प्राइम मिनिस्टर को गवर्नमेंट की पॉलिसीज के जैसा माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण है ना, जो जिस भी स्पीच को वो देते हैं तो लोग उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनको बड़ा रिस्पेक्टफुली देखते हैं, क्योंकि वही लीडर होता है, सब कुछ करने वाला वही है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, निचले सदन का विघटन, ठीक है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे निचला सदन है उसको विघटित किया जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो लोअर सदन की हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा का टेन्योर कितना है, 5 ईयर्स का होता है, ठीक है, नॉर्मल 5 ईयर्स का टेन्योर होता है।
अब ऐसे में जब 5 साल सरकार के पूरे होने वाले होते हैं या पूरे हो जाते हैं, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नए इलेक्शन करवाने रिक्वायर्ड होते हैं। हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक बार सरकार में आ गया, सत्ता में आ गया तो वो परमानेंट सरकार में ही बना रहे, ठीक है, लाइफ टाइम चलने वाला काम नहीं है ये, आपको वो करना पड़ेगा। तो जब नए इलेक्शन करवाने की ज़रूरत होती है तो उस टाइम लोकसभा को डिसॉल्व करवाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देते हैं। 5 साल से पहले भी प्री मैच्योर डिसॉल्यूशन भी कर सकते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि यार 5 साल पूरे होने में अभी है, 1 साल बाकी है, और अगर हम पूरे 5 साल तक काम करेंगे, अगले 1 साल और भी काम करेंगे तो हो सकता है हमारे साथ कुछ इशू हो जाए, अभी हमारी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, अगर इसी टाइम अगर हम इलेक्शन करा लेंगे तो हम इलेक्शन में फिर से हमें फुल मेजोरिटी मिल जाएगी, हम जीत जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि अगर हम वेट करें अपना टेन्योर पूरा होने का और 5 साल के बाद तभी इलेक्शन करवाएं, तो हो सकता है हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ थोड़ा कम आ जाए और हो सकता है हमारी गवर्नमेंट ना बने। तो ऐसे में प्री मैच्योर डिसॉल्यूशन भी प्राइम मिनिस्टर करवा सकता है कह करके राष्ट्रपति को। ऐसा हुआ भी, इंदिरा गांधी ने करवाया था, जब आपको याद होगा मैंने बेसिक स्ट्रक्चर वाले में पढ़ाया था आपको कि एक टाइम था जब इंदिरा गांधी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बीमा कंपनीज, प्रीवी पर्स का अबोलिश करना, इन सारे इश्यूज को लेकर के काफ़ी सारा उसका डिस्प्यूट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के साथ, है ना। तो उस टाइम इंदिरा गांधी ने यही चीज़ महसूस की कि जब तक वो खुद फुल मेजोरिटी के साथ पावरफुल होकर के नहीं आएंगी तब तक उनका काम होगा नहीं। इवन पार्लियामेंट में उनका कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट वाला बिल जो था वो भी राज्यसभा से रिजेक्ट हो गया था। तो इसलिए उस टाइम 1972 में इलेक्शन होने थे, इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड करके 1971 में ही लोकसभा को डिसॉल्व करवा दिया और 1971 में ही इलेक्शन करवा लिया। तो विघटन है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार जो है वो परमानेंट नहीं है, उसको हर 5 साल के अंदर आकर के लोगों से उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। उनसे कंसेंट कैसे, उनसे वोट मांग करके उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उनको कहेंगे वोट दे दो। अब लोग, अगर सरकार ने अच्छा वर्क किया होगा तो लोग वोट देंगे, दोबारा सरकार बन जाएगी, अगर सरकार ने अच्छा वर्क नहीं किया तो लोग वोट नहीं देंगे, सरकार नहीं बनेगी, है ना। अल्टीमेटली ये फुल डिसीजन आ गया जनता के ऊपर। तो इस तरीके के डिसॉल्यूशन के पीछे का मेन जो पर्पस है वो यही है कि आप इस तरीके से चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं। एक और विशेषता है जो है वो सीक्रेसी, गोपनीयता। गोपनीयता क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं, द मिनिस्टर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर एंड कैन नॉट डिव्यूलेज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग्स, पॉलिसीज एंड डिसीजंस। मंत्री जब अपनी शपथ भी, इवन ओथ भी लेने जाते हैं तो भी वो सीक्रेसी की ओथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। वो अपने किसी भी तरीके के किसी भी काम को, किसी भी नीतियों को, निर्णयों की सूचना जो है वो किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते हैं। उनको ये बताया जाता है कि आप ऐसा मत कीजिए। अब आप कहोगे यार ऐसा करने से क्या है, नॉर्मली तो पब्लिकली घोषणा करते ही हैं, अनाउंस करते ही हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा बड़े ध्यान से, एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं कि सरकार एक एरिया है, इस चीज को समझिए, यहां पर देख लेते हैं। ये एक, इसको थोड़ा सा इधर से बनाता हूं मैं, इधर तो बार बार आता रहेगा। मान लेते हैं कि ये एक एरिया है और ये एरिया जो है ये कैसा है, ये बंजर पड़ा है, रेगिस्तान है, ठीक है, ये उपजाऊ नहीं है, यूजफुल नहीं है, ठीक है, खाली पड़ी लैंड है, ठीक है, वेस्ट लैंड है, ठीक, या इसको हम बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, इसको अगर हम बोल दें कि डेजर्ट है, ये पूरा का पूरा एरिया है डेजर्ट का एरिया है। अब यहां पर जमीन के रेट क्या होंगे, इसके आसपास इसके जो साइड की जमीन है उनके रेट कितने होंगे, बहुत कम होंगे, क्योंकि फर्टाइल नहीं है, यूजफुल नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, गर्मी में मर जाओगे, रहोगे कैसे।
कोई काम की नहीं है, उसका कोई प्रॉपर्टी वहां पर बाई नहीं करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा, बहुत रेट डाउन होंगे। अब ऐसे में मान लेते हैं एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट एक स्कीम बना रही है, गवर्नमेंट एक स्कीम लाना चाहते हैं, गवर्नमेंट एक पर वो उनका एक विजन है, वो चाहते हैं कि भाई हम इस एरिया में वाटर पहुंचाएं और इसके लिए हम नदी, यहां से एक नदी लेकर के आए जो रेगिस्तान के इस तरीके से, यहां से चारों तरफ से जो है इस तरीके से यहां पर यहां पर यहां पर इसके नदी या नहर के थ्रू हम वाटर सप्लाई पहुंचा दें, पानी है जो है यहां पर एक्सेस ले आए, और इसी के साथ साथ यहां पर हम क्या करें, हम यहां पर इसके साथ में रोड्स भी बना दें, एक तरफ नदी आई तो इसके साथ साथ इधर रोड भी बना दिया, ठीक है ऐसे। और यही गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि जब हमने नदी ले आए, रोड ले आए, तो इस डेजर्ट के अंदर यहां पर भी वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग जगह पर कि इधर या इधर या इधर या इधर कहीं पर वाटर के पानी के बड़े लेक बना दिए जाए, इस नदी से पानी वहां पर डायरेक्ट भेज करके, या इसके आसपास में, या कोई बड़ी सी कोई इंडस्ट्री या कोई भी काम जो रेगिस्तान में हो सकता है वो किया जाए। अब गवर्नमेंट मान लीजिए इसमें प्लानिंग में है, प्लानिंग कर रही है, वो पॉसिबिलिटीज देख रही है कि ऐसा होने वाला है, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और ऐसे में वो डिसीजन लेती है कि हाँ भाई हम यहाँ पर नदी भी बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम रिवर भी बनाएंगे और यहाँ पर सड़क भी बनाएंगे, ये सारे का सारा काम इसके साथ साथ हम करते चले जाएंगे। और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना अभी बाकी है, वो होल्ड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि थोड़े टाइम के बाद हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे, अभी तो हम सिर्फ वो कर रहे हैं। एक मिनट मेरे को दीजिए, मेरे को जाना पड़ेगा, जिम्मेदारी बहुत सारी है ना हमारे ऊपर, एक टीचर के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। एक मिनट दीजिए, कोई आए हुए मैं उनको दिखाता हूँ। चलिए, कई बार कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो अर्जेंट हो जाते हैं, करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, ठीक है, केवल पढ़ाने का ही काम नहीं, उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारे काम आपको करने रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर थे कि मान लेते हैं सारी पॉलिसीज इस तरीके की प्लानिंग सरकार कर रही है, काम कर रही है, अब इसके बारे में जानकारी है किसी मिनिस्टर को, और मिनिस्टर इस जानकारी को लीक कर देता है, लीक कर देता है किसको, अपने किसी चाहने वाले किसी पर्सन को, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़ा सा, और वो उसको जाकर के बताते हैं कि सुनो एक बड़े काम की खबर लेकर के आए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है वो रेगिस्तान अब वो रेगिस्तान नहीं रहने वाला, अब उसके साइड में नदी बनेगी, सड़क बनेगी, तो एक काम करो कि सरकार जब अनाउंस करे इससे पहले कि इस रेगिस्तान के आसपास इस तरीके की कोई पॉलिसी अनाउंस करे सड़क बनाने की, रेगिस्तान या नदी बनाने की, तुम जल्दी से जाकर के वहां की जमीन खरीद लो, है ना, वो उसको खबर दे देगा। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को या जो पैसे वाले लोग हैं बड़े, उनको क्या लगेगा कि यार ये रेगिस्तान की जमीन अभी तो कोड़ियों के भाव मिलती है, बहुत कम पैसों में मिल जाएगी, लेकिन अगर नदी आ गई और अगर सड़क बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, तो उसी जमीन का रेट जो है 100 times ज्यादा हो जाएगा, 100 times से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑलरेडी बड़ा कम था। तो ऐसे में हो सकता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट या वो बड़े पैसे वाला पर्सन क्या कर ले, वो इसके आसपास की जितनी जमीन है ना,
वो जाकर के बड़े मिनिमम सस्ते सस्ते दाम पे खरीद ले, और वहां के लोग उनको जिनको पता ही नहीं उन बेचारों को कि भाई हमारे यहां पर इस तरीके का डेवलपमेंट होना है, उनको लगेगा यार कि चलो बेच देते हैं कुछ तो मिल रहा है। और फिर इसके खरीदने के थोड़े टाइम के बाद ये पॉलिसी अनाउंस हो जाती है। जैसे ये पॉलिसी अनाउंस होगी, इस जमीन की रेट अगर पॉलिसी अनाउंस होने से पहले अगर 100 रुपीज थे तो वो बढ़ करके पॉलिसी अनाउंस होने के बाद 10,000 रुपीज तक पहुंच जाएंगे, इतना ज्यादा उसका वो हो जाएगा। तो ये खूब मोटा पैसा कमा गया, और ऐसे में उस मंत्री ने भी पैसा कमा लिया, इसने अपना हिस्सा उसको भी दिया। लेकिन नुकसान किसका हुआ, जो लोग जिनकी वहां पर पहले जमीन थी, जो सिटीजन थे, जो जन्म से काफी लंबे टाइम से वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, उनको नुकसान हो गया, लॉस हो गया, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, है ना। तो अल्टीमेटली सिटीजन्स का नुकसान हुआ। तो इस तरीके की चीजें भी ना हो तो इसको लेकर के भी आप देखोगे सीक्रेसी मेंटेन करने की बात की जाती है। और इसके साथ साथ एक और भी रीजन होता है कि सरकार की अंदरूनी इंटरनल बातों को आप बाहर नहीं ले जा सकते, वो भी आपको नहीं बताना पड़ेगा, है ना। अगर वो सीक्रेसी की ऑफिस जो है, सीक्रेसी की जो ओथ है वो लेते हैं, ठीक, गोपनीयता की शपथ। अब ये ध्यान रखना कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी शपथ, उसकी ओथ जो है अगर लोकसभा के अंदर है, तो अगर फर्स्ट लोकसभा ये पहली सिटिंग है तो प्रोटेम स्पीकर कराता है। और जो मिनिस्टर होते हैं, जब वो मंत्री बन जाते हैं तो उनको गोपनीयता की शपथ, मिनिस्टर्स को एक अलग से उनको ओथ दिलाई जाती है सीक्रेसी की, वो काम कराते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कराएंगे, ठीक है। और इसका एक और भी रीजन है कि पार्टी के अंदर कितना भी झगड़ा हो, मतभेद हो, लड़ाई झगड़ा हो, आप पार्टी के अंदर की चीजों को लीक नहीं करोगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई, उसके अंदर दो मिनिस्टर आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, पार्टी में टूट हो रखी है ना, फूट डलने वाली है, आप ऐसी चीजें लीक नहीं करोगे जिससे कि पार्टी का इंटरेस्ट खराब हो, उनके ऊपर इंपैक्ट आए। तो सीक्रेसी के अंदर ये बहुत सारी चीजें आती हैं, ये एक वो है। अब ये तो फीचर्स जो थे आपने देख लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के, अब कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को भी देख लेते हैं ताकि आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ सके कि अमेरिका में किस तरीके का वर्क होता है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और उसके कुछ फीचर्स हैं, अगर उसमें बात करें तो क्या होता है कि द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट, दोनों होता है भाई अमेरिका का। इंडिया में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट क्यों है इस चीज को समझिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर कंपेरिजन से क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में। तो इसको एक स्ट्रक्चर से मैं आपको समझा देता हूं, आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, हम यहां पर कंपैरिजन कर लेते हैं इंडिया, ठीक है, और इधर हम लिख लेते हैं यूएसए, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करते हैं हेड ऑफ द स्टेट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये दो अलग अलग हैं। ये प्रेसिडेंट होते हैं, ये पीएम होते हैं। लेकिन अगर हम यूएसए के अंदर बात करें तो यूएसए के अंदर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही, ध्यान रखिए, बोथ जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां का जो प्रेसिडेंट है यही हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और यही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। दोनों पोस्ट इसी के पास होती है, दोनों पावर इसी के पास होती है, ये चीज समझना है, ठीक है। अगली चीज, इस चीज को ध्यान रखना कि वो अगर हम बात करते हैं टेन्योर की, तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 इयर्स, 4 साल का टेन्योर फिक्स है। अब उस 4 साल के टेन्योर से आप उसको हटा नहीं सकते इंपीचमेंट प्रोसेस के अलावा, ओनली इंपीचमेंट के थ्रू आप उसको हटा सकते हो, वो भी काफी टफ प्रोसेस है। उसके अलावा आप उनको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि पार्लियामेंट में आपके पास मेजोरिटी है कि नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। वो अलग से इलेक्ट किया जाता है फिक्स टर्म के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है। ही कैन नॉट रिमूव्ड बाय कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इंपीचमेंट फॉर ए ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। कांग्रेस का मतलब ये मत समझ लेना कि इंडिया की जो कांग्रेस पार्टी हो ना, कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट को बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग पार्लियामेंट जो है उनको अलग अलग
एरिया में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम बोला जाता है। भारत में हम संसद बोलते हैं, वहां पर कांग्रेस बोला जाता है वहां की पार्लियामेंट को, ठीक है, ये चीज समझते हुए चलना है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को लेकर के अगर कोई बहुत गंभीर ना गया हो तब तक उसको इम्पीच नहीं हटाया जा सकता, ये उसमें एक चीज है। अब इसके साथ साथ द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ ए कैबिनेट और ए स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट, एक छोटी सी बॉडी जो है वो अपने, देखो यहां पर प्रेसिडेंट क्या है, अपनी पसंद के किसी भी पर्सन को अपने किचन कैबिनेट में ले लेता है, कुछ गिने चुने 5-6-7-9-10 लोग रखेगा, उन्हीं लोगों की एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है आगे वर्क करता है और वही आगे तक काम करते रहते हैं इनके साथ, ठीक है। दे आर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाई हिम, आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम एंड कैन बी रिमूव्ड बाई हिम एनी टाइम, यानी कि उनको अलग से इलेक्ट होकर के अलग से चीजें करके आने की जरूरत नहीं है, वो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से किसी को भी रख सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही बेटी और उसके वगैरह वगैरह अपनी फैमिली के कई लोगों को उसके अंदर रखा हुआ था, तो प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो किसी को भी काया पलट कर सकता है, किसी भी एक साधारण एक नॉर्मल सैनिक को अगर उसको लगता है कि यार ये डिफेंस एडवाइजर हो सकता है बहुत अच्छा, तो उसे एक रिटायर्ड सैनिक को डिफेंस एडवाइजर बना देगा। तो सुपर पावरफुल होता है प्रेसिडेंट अपने कैबिनेट को लेकर के, ठीक है, ये है। पीएम जैसे भारत में है ऐसे कैबिनेट को लेकर के सेम सिचुएशन वहां पर प्रेसिडेंट की भी मिलेगी, बस उसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि इलेक्टेड ही पर्सन हो, वो अपनी मर्जी से किसी को भी कर सकता है। द प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट, अपने काम के लिए वहां की पार्लियामेंट जो कांग्रेस है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है, इस चीज को समझना है। ना ही तो दे नीदर पोजेसिस मेंबरशिप इन द कांग्रेस और नोर अटेंड इट सेशन, यानी कि ना तो वो कांग्रेस के मेंबर होते हैं, जैसे भारत में तो होता है ना, भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है, पार्लियामेंट का मेंबर होता है, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से, या तो अपर हाउस से या लोअर हाउस से। लेकिन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, जो वहां का मेन एग्जीक्यूटिव है, वो वहां की पार्लियामेंट, वहां की कांग्रेस जिसको बोला जाता है, उसमें ना तो अपर हाउस सीनेट ना ही लोअर हाउस किसी का भी मेंबर नहीं होता है, ठीक है, और ना ही उसके सेशन अटेंड करता है, ना ही जाकर उसको सेशन अटेंड करने की जरूरत है, इसलिए वो उसके लिए क्यों, क्योंकि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी के बेस पर थोड़ी पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस के अंदर मेजोरिटी के बेस पर थोड़ी वो इलेक्ट हुआ था, ठीक है, उसका तो सेपरेट इलेक्शन हुआ था, ठीक। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस, जैसे इंडिया में दो हाउस है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, ऐसे ही अमेरिका में सीनेट वहां का अपर हाउस होता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें हर स्टेट को इक्वल सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, दो दो सीट। लोअर हाउस जो है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है, तो लोअर हाउस के अंदर जैसे इंडिया में अगर मेजोरिटी होती है तो वो सरकार बना लेती है वो पार्टी, और उसका लीडर पीएम बन जाता है, अमेरिका में इस तरीके का कोई सिनेरियो नहीं है। प्रेसिडेंट की जो पार्टी है अगर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हार भी गई, उसके पास ज्यादा वोट सीटें हैवी नहीं, मेजोरिटी में हैवी नहीं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ऐसे में जब उसका कोई लेना देना ही नहीं है पार्लियामेंट के साथ, वहां की कांग्रेस के साथ, तो उसको डिसॉल्व करने की शक्ति भी नहीं दी कि भाई तू डिसॉल्व करेगा, वो डिसॉल्व भी नहीं कर सकते वहां पर, ठीक है। अब द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज द बेसिक बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसमें क्या की जाती है, द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेटेड एंड वेस्टेड इन द थ्री इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि अलग अलग शक्तियां अलग अलग अंगों के पास होती हैं, विधायक शक्तियां अलग, कार्यकारी अलग, न्यायिक शक्तियां अलग, ठीक है, ये तीनों में आप देखोगे बहुत ही क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर देखने को आपको मिलता है, और तीनों ही एक दूसरे के काम में इतना अधिक इंटरफेयर नहीं करते जैसे इंडिया में आप देखोगे देखने को मिलता है, वहां पर बल्कि होता ही नहीं है, वो एक तरीके से सेपरेटली अपना अपना वर्क करते हैं प्रॉपर तरीके से। अब कुछ गुण देख लेते हैं, मेरिट देख लेते हैं, जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहली जो उसका मेन फीचर है उसको देखते हैं, क्या है कि हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या होता है, हार्मनी दोनों के बीच में सहयोग और समन्वय कैसे बनाता है, इस चीज को समझना, क्या है समझिए, द एग्जीक्यूटिव इज ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, इस चीज को समझिए, ठीक है, पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एट वर्क। सिंपल से लेजिस्लेटिव के अंदर कौन होते हैं, लेजिस्लेटिव के अंदर लोकसभा प्लस राज्यसभा,
इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद होते हैं, ठीक। अब लोकसभा के अंदर जो मेजोरिटी पावर जो होगी है ना, जिसके पास बहुमत होगा, मेजोरिटी होगी, ये मेजोरिटी वाले क्या बनाते हैं, ये गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होते हैं, यही एमपी से तो होते हैं सारे के सारे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के सदस्य, सांसद, वही तो मंत्रिपरिषद के भी मेंबर हैं, दोनों के मेंबर हैं, दोनों के पार्ट हैं। तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंट होकर के वर्क करती है अपना, और लेजिस्लेचर अपना इंडिपेंडेंट होकर के वर्क करता है, ठीक। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट इतना होता नहीं है। डिस्प्यूट क्यों होगा, डिस्प्यूट तो अमेरिका में होगा ना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग है, सेपरेट है, कोई लेना देना ही नहीं है एक दूसरे को, ठीक है। अगर ऐसे में कोई मामला, कोई बिल अगर पास करवाना हुआ प्रेसिडेंट को, तो उसकी तो रातों की नींद उड़ जाती है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए बिल पास करवाना, वहां पर काम करवाना अगर उसमें अगेंस्ट है तो। लेकिन यहां पर तो लेजिस्लेचर के अंदर आप देखोगे एग्जीक्यूटिव खुद लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो डिस्प्यूट होने की कोई पॉसिबिलिटी एकदम बहुत मिनिमम हो जाती है, मिनिमल जिसको बोलते हैं ना, न्यूनतम हो जाती है। और अगर कोई भी इस तरीके का डिस्प्यूट अगर होता भी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर, तो फिर वो जॉइंट सिटिंग के थ्रू सुलझा लेते हैं, मामला सुलझा लिया जाता है। और बहुत कम इस तरीके का डिस्प्यूट देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर। जो डिस्प्यूट देखने को मिलता है इंडिया में वो मिलता है लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर का कुछ एक दो मामले आते हैं जब फुल मेजोरिटी की पार्टी नहीं होती है, कोई फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं होती है, कम उसके पास संख्या होती है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, तब थोड़ा कुछ इशू हो सकता है कि वो बिल पास कराने में थोड़ा सा आनाकानी करे। जैसे कि अगर हम बात करते इंदिरा गांधी के मामले में हुआ था ना, आपको याद होगा मैंने बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया हुआ है, उस तरीके का है। तो विवाद के अवसर कम होते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, ठीक। सिंपल सा मतलब है कि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि इसको मैं करेक्टरिस्टिक्स जो उसके गुण विशेषताएं थी उसमें बता चुका हूँ कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब सिंपल सा है कि पार्लियामेंट और उसमें भी खास करके लोकसभा, आर्टिकल 75 वो क्लियर बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो सरकार जो है, जो आप देखोगे तो वो लोकसभा के लिए आमतौर पर मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं। और अपने काम के लिए, अपने कार्यों के लिए वो पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि संसद में जनता के चुने हुए व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी वर्क वो करते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है, कोई पॉलिसी लेकर के आते हैं, उस पॉलिसी में अगर कोई गलत चीज़ है तो उनके अपोजिशन वाले या पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उनको उस क्वेश्चन का वहाँ पर आंसर देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई मेरी ये पॉलिसी में गड़बड़ क्यों हुई, क्यों ये पॉलिसी फेल हो गई, क्यों गवर्नमेंट इस एरिया में काम एक्टिवली नहीं कर पाई, है ना। तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट को लेकर के, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और संसद अलग अलग तरीके से द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर थ्रू वेरियस डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आवर, है ना, डिस्कशंस, एडजोनमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करते हैं, है ना, टूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ये होता है इनके बेसिस पर। बेसिकली इसमें सारी चीज़ें वही है कि पूछा जाता है बार बार सरकार से कि बताओ भाई ऐसा क्यों। प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, निरंकुशता का प्रतिषेध है। निरंकुशता का प्रतिषेध का मतलब क्या है, अंडर द सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट इन ए सिंगल पर्सन। पावर जो है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, किसी एक पर्सन के पास नहीं है। लेकिन वो अलग बात है कि इंडिया के मामले में दो सिचुएशन आ जाती है, एक वही फुल मेजोरिटी वाली सिचुएशन, जब फुल मेजोरिटी की सिचुएशन होती है तो पावर तो थ्योरिटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कहा जाता है, लेकिन रियलिटी में उसका यूज करते हैं पीएम। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जब बहुत ज्यादा मेजोरिटी नहीं है, एक नॉर्मल एक सिंपल सिर्फ मेजोरिटी मिली या कोलिशन की गवर्नमेंट है, ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे मेंबर जो इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो ऐसे में क्या होता है कि डिस्कशन होता है, चर्चा विचर्चा होती है, बातचीत होती है, किसी एक पर्सन की आइडियोलॉजी या किसी एक पर्सन के अकॉर्डिंग ही वर्क करवाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। निरंकुश जो है चीज़ें जो होती हैं, जो डिक्टोरियल टेंडेंसीज है एग्जीक्यूटिव की, उसको यहाँ पर रोक जो है वो लगाई जाती है। मोर ओवर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर पार्लियामेंट को और इनको लगता है कि अरे ये तो भाई डिक्टेटर हो रहा है, काम ढंग से नहीं कर रहा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई डिक्टेटर होकर के वर्क करेगा तो उसकी पार्टी के, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोग हैं वो भी तो उसके सारे सपोर्ट में नहीं आएंगे ना, वो भी तो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि वो मेजोरिटी प्रूव ना कर पाए, मेजोरिटी प्रूव ना कर पाएगा तो फिर सरकार गिर जाएगी ना। तो अल्टीमेटली तानाशाह नहीं हो सकते। इसीलिए इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप मेरे दोस्त देखना, स्टार्टिंग से लेकर आज तक केवल एक सिचुएशन आई 1975 के अंदर, ठीक है, केवल एक 1975 से 77 तक के जो दो साल का टाइम पीरियड रहा, जो नेशनल इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, उसी टाइम पीरियड में हमारे एग्जीक्यूटिव में डिक्टेटरशिप वाले गुण जो है, फीचर्स आपको देखने को मिले। उसके अलावा कभी भी ऐसी डिक्टेटरशिप वाली चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ रूलिंग पार्टी लूजेज इट्स मेजोरिटी, द हेड ऑफ द स्टेट कैन इनवाइट द अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये भी की जा सकती है। ऐसा भी नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी सरकार गिर गई, सरकार खत्म हो गई, तो आपको दोबारा से इलेक्शन कराने ना, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ द स्टेट भारत में प्रेसिडेंट है, अगर उसको ये लगता है कि हम किसी और पार्टी को चांस देंगे तो वो भी मेजोरिटी प्रूव कर सकती है, वो भी सरकार बना सकती है, तो वो अपोजिशन वाली पार्टी जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको बोल देगा कि यार ठीक है भाई, तुम लोग एक काम करो, तुम आओ और पार्टी अपने, तुम्हारे लीडर को हम पीएम बना देते हैं और एक महीने के अंदर अंदर मेजोरिटी प्रूव कर दो, ठीक है। अगर मेजोरिटी प्रूव कर दी तो उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है। यानी कि एक नए चुनाव के बिना, दिस मीन्स एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट फ्रेश इलेक्शन, यानी कि सरकार को बिना इलेक्शन के भी चेंज किया जा सकता है, नई सरकार आ सकती है विदाउट एनी इलेक्शन, ठीक है, ये चीज समझिए। तो इसीलिए जेनिंग्स जो है वो कहते हैं कि द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है विपक्ष के नेता। और ब्रिटेन के अंदर तो ये बिल्कुल करेक्ट फिट बैठता है। करेक्ट फिट इसलिए बैठता है क्योंकि ब्रिटेन में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं शेडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल। भारत में इस तरीके का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं किया गया। हाँ, दिल्ली की गवर्नमेंट ने इस तरीके की कोशिश की शेडो गवर्नमेंट बना करके काम करने की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद होता है, उसमें जिस जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर्स होते हैं, सेम वैसे ही पोजिशन अपोजिशन वाले अपने मेंबर्स को भी देते हैं। अपोजिशन में भी एक, जैसे पोजिशन जो रूलिंग पार्टी उसमें जो पीएम होता है, तो उसी के जैसा एक पीएम वो अपोजिशन में भी बना करके रखते हैं अपना, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग लोगों को डिपेंड करके करते हैं। तो वो लोग क्या बताते हैं, वो लोग एक वैकल्पिक, एक अल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करते हैं कि देखो भैया, इस पीएम ने ऐसे किया, हम होते तो हम ऐसे करते। तो उससे क्या होता है कि रूलिंग पार्टी को भी वहां से आइडिया मिल जाता है, बेनिफिट हो जाता है, गवर्नमेंट अल्टीमेटली लोगों का बेनिफिट हो जाता है ना। इस तरीके की चीज़ें यहां पर हो जाती है। और कई बार अगर रूलिंग पार्टी गई तो अपोजिशन वाली पार्टी को चांस मिल जाता है सरकार बनाने का, तो एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री बनता है। वाइड रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। वाइड रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज मिनिस्टर्स हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोग मिलकर के सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका में कौन पावर किसके पास, केवल प्रेसिडेंट, ओनली प्रेसिडेंट, सब कुछ प्रेसिडेंट ही है वहां पर, सारे डिसीजन सब चीजों में फाइनली वही। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, 15% हो सकते हैं टोटल मेंबरशिप के, तो काफी सारे लोग मेंबर उसके अंदर हो जाते हैं जो बहुत सारे बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वाइड रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल जाता है, सभी क्षेत्र और वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिलता है। Hence, it is possible to provide representation to all sections and regions in the government। और ऐसा है भी, आप देखना जब भी किसी की भी सरकार बनती है ना,
तो जब सरकार बनाई जाती है तो सरकार बनाते टाइम वो लोग क्या करते हैं, आपको पता है क्या करते हैं सरकार बनाते टाइम? हर सोसाइटी के हर एरिया को टच करने की कोशिश करते हैं। आप देखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको हर कम्युनिटी से रिलेटेड कोई ना कोई एक मिनिस्टर मिलेगा। कोई माइनॉरिटीज से भी रहेंगे, एससी से भी रहेंगे, एसटी से भी रहेंगे, ओबीसी से भी रहेंगे, अपर अगर आप बात करते हैं अपर क्लास से भी रहेंगे, ठीक है, अलग अलग हर रिलीजन से रहेंगे, हिंदू से भी रहेंगे, मुस्लिम से भी रहेंगे, सिख से भी रहेंगे, है ना, मतलब वो हर ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वहाँ पर पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कर देता है। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता है, अमेरिका में तो जो प्रेसिडेंट है वो जो बन गया वो बन गया, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। प्रधानमंत्री हमेशा जब भी मिनिस्टर्स को चयन करेगा तो वो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए चलता है, ठीक है। इसमें आप देखना जब भी प्राइम मिनिस्टर अपना मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है ना, तो वो उस टाइम इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाता है। सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधित्व प्रतिनिधियों को वो उसके अंदर शामिल करता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखता है। अब कुछ इसके दोष भी होते हैं, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर तकरार भी होती है, तो जहाँ पर कुछ बेनिफिट होते हैं तो कुछ उसके डीमेरिट्स कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ अगर हम बात करते हैं तो उनको हम देखते हैं डिमेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि अस्थिर सरकार यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, अनस्टेबल गवर्नमेंट। अब अनस्टेबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है समझिएगा, अनस्टेबल गवर्नमेंट का स्टेबल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेबल गवर्नमेंट मेरे दोस्त, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, बैठ करके भी इसको समझाता रहता हूँ आपको। स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक बार बन गई तो परमानेंट फिक्स है, उसका जो टेन्योर है उस टेन्योर तक वो फिक्स रहेगी। अब उसके बाद उससे पहले उसको कोई हटा नहीं सकता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सर्कमस्टांसिस हुआ तो हुआ, नहीं तो नॉर्मल तो वो हटेगी नहीं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, अमेरिका के एग्जीक्यूटिव जो हैं प्रेसिडेंट, वो 4 साल के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, तो 4 साल तक मान करके चलो वो फिक्स रहते ही रहते हैं, उसको कोई हटा नहीं सकते इम्पीचमेंट प्रोसेस के अलावा। और वो भी अभी तक इतने टफ होता है कि वो होना पॉसिबल बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब कोई परमानेंट गवर्नमेंट होती है लंबे टाइम के लिए वर्क करती है तो उसको ये फ्रीडम होता है कि भाई हम अपनी पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी बना सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए उनको एग्जीक्यूट करना, उनका अच्छा रिजल्ट लाना ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता भी है। कोई भी काम अगर आप उसको अच्छी तैयारी के साथ और रेगुलर बेसिस पर करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसीलिए शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रसिया के व्लादिमीर पुतिन और चाइना के सी जिनपिंग, इन्होंने अपने आप को अपना बड़े लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ का हेड अध्यक्ष जो है स्टेट का बना रखा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में मुद्दा यह है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो परमानेंटली स्टेबल नहीं होती है। उसका रीजन समझिए कि दो तरीके की चीजें, दो तरीके की कंडीशंस पर आपको फोकस करना है यहां पर। पहली सिचुएशन तो ये कि अगर मान लेते हैं कि एक गवर्नमेंट बनी फुल मेजोरिटी के साथ, तो आम तौर पर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो गवर्नमेंट 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करेगी और 5 साल के बाद वो दोबारा से इलेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर बीच में उस फुल मेजोरिटी वाली पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स वहां से रेजिग्नेशन दे दें, पार्टी छोड़ करके चले जाएं, किसी और अदर पार्टी में भी नहीं जाएं, पार्टी छोड़ करके चले जाएं, या आधे से ज़्यादा लोग एक अपनी अलग पार्टी बना ले निकल करके, तो सरकार गिर गई, मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, बहुमत नहीं रहेगा, है ना, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी, फिर नई गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। अगर कोई और पार्टी मेजोरिटी नहीं फॉर्म कर पाता तो नया इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो बार बार इलेक्शन बहुत होते हैं, ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। और इंडिया ने इस चीज को फेस किया 1990s के डिकेड में, 1990 के दशक में जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी,
गठबंधन की सरकारों का एक बड़ा दौर चला। नहीं, एक डायलॉग है ना कि पता नहीं क्या, तेरा सिर्फ, अरे यार मैं भूल गया वो डायलॉग, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, याद नहीं है, नहीं तो फिर से आपको बताएंगे। दौर की बात जो होती है कि तेरा सिर्फ वक्त आया है, मेरा एक दौर आएगा। तो इसी तरीके से एक दौर चलता है 1990 के दशक का सेंटर के लेवल पर, जहाँ पर गठबंधन की सरकारें बनती हैं, कोलिशन की गवर्नमेंट्स बनती हैं, और गठबंधन की सरकारें बेसिकली समझौते पर, अपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर बनती हैं। अगर किसी भी पार्टी की बात नहीं मानी, कहना नहीं माना, तो नाराज़ होकर के अपना गठबंधन, अपना समर्थन, अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं। और जब वो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे तो उस टाइम सरकार गिर जाएगी, और जब सरकार गिर जाएगी तो फिर दोबारा से नई सरकार बनाने का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 90s के डिकेड में इतनी बार इलेक्शन हुए इंडिया में, पूछो मत। और जितनी बार ज़्यादा इलेक्शन होगा उससे नुकसान किसको? सिटीजन्स को। कैसे? क्योंकि हर इलेक्शन में करोड़ों रुपए का खर्चा किया जाता है। इलेक्शन कंडक्ट कराना कोई इजी काम थोड़ी है, बहुत टफ काम हो जाता है मेरे दोस्त, बहुत भारी भरकम मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इतना प्रशासनिक लोग, अमला इसमें लगता है, इतना पैसा खर्च होता है, टाइम इतना इन्वेस्ट होता है। वो पैसा आता कहाँ से है? आसमान से टपका तो है नहीं कि बारिश कर दे, कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, कि आसमान से टिप 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 करके पैसा बरस रहे। नहीं, वो पैसा तो गवर्नमेंट टैक्स से लेती है, लोगों के पास जो आता है वो पैसा टैक्स से ही तो पैसा आता है, या लोग चंदा देते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी लोग तो चंदे के लिए इतना पैसा बनाते कहाँ से? लोगों से ही बनाते हैं वो लोग भी, या फिर उनको कर्जा लेना पड़ता है किसी और से, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से या किसी देश से, और कर्जा लेते हैं तो उनका एहसान चुकाते रहना पड़ता है जब तक वो सत्ता में रहेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उन्हीं की ही बातें माननी पड़ेगी, है ना। तो ये डिमेरिट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इसकी। और जो अनस्टेबल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट में ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा कोई लॉन्ग टर्म की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और इंडिया में ये एक प्रॉब्लम रही है, क्योंकि कभी भी ये फिक्स नहीं रहता कि यार कि कोई भी गवर्नमेंट 5 साल तक काम करेगी कि नहीं करेगी। अभी तो फिलहाल पिछले 2 टर्म से एक गवर्नमेंट परमानेंट 5 साल का टेन्योर पूरा करने की उस सिचुएशन में है, एक कर चुकी, अब ये और करने वाली है दूसरा भी, लेकिन उससे पहले के जो 20 साल थे उसमें इसी तरीके की सिचुएशन होती थी, किसी को भरोसा नहीं था कि यार ये सरकार अब आगे टिकेगी कि नहीं टिकेगी, गठबंधन की सरकारें थी। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ को बनाना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था, और शॉर्ट टर्म के चक्कर में काफ़ी बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ता था, और पॉलिसीज ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी। ये एक रीज़न रहा है ना, जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वैसे ही मोरारजी देसाई, ये 1977 की बात कर रहे हैं, ये 1977 की बात हो रहे हैं, चरण सिंह ये भी उसी समय, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, अल्प मत वाली सरकार के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जब इस्तीफा उनका दिया, उनकी सरकार गिरी, तो चरण सिंह जो है वो अल्पमत की सरकार के प्रधानमंत्री रहे कुछ टाइम तक, फिर वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई के गुजराल, ये सब 90s के, ये 1990s के एग्जाम्पल हैं। इतने सारे प्रधानमंत्री बने, आप लोगों के लिए भी मुसीबत हुई, प्रॉब्लम हुई यार कि इतने ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स को याद करना पड़ रहा है, इतनी सारी लोकसभा जो बनी नई नई उनको याद करना पड़ रहा है, तो 90s में ये चीज़ें हुई। एक और चीज़ जो है उस चीज़ को समझना है, वो ये है कि नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। अब नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी कैसे है समझिएगा बड़े ही ध्यान से। द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जब भी हम बात करते हैं ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंडक्टिव फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। इसका रीजन समझिए, ए चेंज इन द रूलिंग पार्टी इज यूजुअली फॉलोड बाई चेंजेस इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इस चीज को समझिए। अब जरूरी तो है नहीं कि मान लेते हैं कि ए पार्टी ने 2020 से लेकर के 25 तक अपना रूल किया, अब इसका टेन्योर कंप्लीट हो गया, इसके बाद दोबारा से होते हैं इलेक्शन। इस इलेक्शन में ए पार्टी जो है वो हार जाती है, लूज कर जाती है, मेजोरिटी नहीं आती, इसकी बजाय एक बी नाम की जो पार्टी है वो विन करती है, वो जीत जाती है, वो
सत्ता में पावर में आ जाती है। अब ये डिफरेंट पार्टी है, वो डिफरेंट पार्टी थी, इस पार्टी की आइडियोलॉजी वर्क करने का नेचर अलग था, इस पार्टी की आइडियोलॉजी और वर्क करने का नेचर अलग है, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या कि जो पुरानी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज चली आ रही हैं, उन पॉलिसीज को नई गवर्नमेंट अब चेंज कर देती, वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाती है, ठीक है। तो बार बार पॉलिसी जो है ना वो चेंज होती रहती है। एक अच्छी पॉलिसी को भी ये लोग चेंज कर देते हैं, नई आने वाली पार्टी। इसका रीजन ये है कि वो उसका क्रेडिट पुरानी वाली गवर्नमेंट को नहीं लेना देना चाहते, ठीक है। जैसे आप अभी भी बहुत सारी चीजें देखोगे ना कि आपको, चलो नेम चेंज करने को देख लो, पहले अलग अलग लोगों के नाम रखे जाते थे। आपने देखा होगा कि कई सारी चीजों के नाम नेहरू गांधी इनके नाम पर रखे जाते थे। आज के टाइम में आप देखोगे कि वो उनके नाम चेंज कर करके, है ना, इंदिरा गांधी राजीव गांधी इनके नाम बदल करके या किसी और का नाम बदल करके उसकी जगह फिर बाकी अलग अलग नाम से करते हैं, अटल, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी हर पार्टी जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना चाहती है। ऐसी ही चीज़ें पॉलिसीज को लेकर के भी हैं। अगर कोई पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं तो नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी आइडियोलॉजी, अपने प्रोमिसेज, अपने वायदे जो उन्होंने जनता के साथ किए उसके अकॉर्डिंग नई नीतियाँ बनाती हैं, तो पुरानी पॉलिसीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, अगर 1977 में क्या होता है, द जनता गवर्नमेंट हेडेड बाई मोरारजी देसाई 1977 रिवर्स ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसीज ऑफ प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट। अपोजिट थे दोनों थोड़े एक दूसरे के, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के टाइम में जो पॉलिसीज चली आ रही थी तो उनको कंप्लीटली उन्होंने चेंज करके रख दिया था मैक्सिमम चीजें। इवन अगर हम बात करें पॉलिसीज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो 42nd अमेंडमेंट किया था इंदिरा गांधी ने, उस 42nd अमेंडमेंट के इंपैक्ट को कम करने के लिए 44th अमेंडमेंट किया मोरारजी देसाई ने, चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन आती है तो डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक। तो ऐसे ही फिर अदले का बदला लिया जाता है, इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें बदला बड़ा फेमस है, बदला लिया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता है भाई। अगर एक ने कुछ किया तो अगली बार वो वेट करते हैं कि मेरी बारी आने दो, मेरा अपना टाइम आएगा, और जब हम अपना टाइम आएगा तो उस टाइम पर हम बदला ले लेंगे। तो सेम चीज़ जैसे मोरारजी देसाई वाले टाइम में आपने देखा 1977 में उन्होंने किया, सेम वैसा का वैसा काम 1980 के अंदर कांग्रेस की जब दोबारा से गवर्नमेंट आती है फुल मेजोरिटी के साथ इंदिरा गांधी की, तो वो करते हैं। मोरारजी देसाई की सारी मैक्सिमम पॉलिसीज को कैंसिल और अपनी ही पॉलिसीज को दोबारा से बनाते हैं, ये चीज़ होती है। तो ये गड़बड़ चीज़ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे उनको हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, एक ये भी चीज़ हो सकती है, है ना, कि व्हेन रूलिंग पार्टी एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट द कैबिनेट बिकम ऑटोक्रेटिक एंड एक्सरसाइजेस नियरली अनलिमिटेड पावर्स, ठीक है। इसीलिए J.S. Laski बोलते हैं कि दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव्स द एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर टायरनी, संसदीय व्यवस्था जो है कार्यपालिका को तानाशाही का अवसर देते हैं। रैमजे म्यूर जो है उन्होंने भी कैबिनेट की तानाशाही कहा, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को लेकर के उन्होंने कहा, और ये बिल्कुल सही भी है। आप देखना कि जब जब फुल मेजोरिटी की सरकारें बनेंगी, गवर्नमेंट बनेगी, तो ऐसे में टेंडेंसी ये देखी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर वो सारा पावर सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, और वो जैसा वो चाहते हैं वैसे ही चीजें करवाने के लिए वो स्टेप्स भी लेते हैं। और इसका लाइव एग्जांपल है हमारे पास 1975 के अंदर। अगर हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई इंटरनल बेसिस पर, तो वो इंडिया में डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टेरियल डिक्टेटरशिप का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो ऐसे में सिचुएशन जो है वो गड़बड़ हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर रहती है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर ये बोलता है। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है कि गवर्नमेंट के अलग अंग जितने हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं,
जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन तीनों जो हैं उनके अपने अपने रोल होते हैं और तीनों अपनी अपनी कंप्लीट डिफरेंट पावर का यूज़ करते हैं एक दूसरे से सेपरेट होकर के, जैसे अमेरिका के अंदर है सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, विधायिका जो है सॉरी कार्यपालिका जो है वो विधायिका का ही एक हिस्सा है, तो वो मिक्स हो गए हैं दोनों। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के वर्क जो है ना मिक्सर सा बन गए। आप मिक्सर जानते हैं, नमकीन आपने खाई होंगी, नमकीन तो सब लोग खाते होंगे, खास करके हमारे वो दोस्त जो थोड़े थोड़े शौकीन हैं खंबे के हैं। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, चलिए एक एक हो जाए इसी बात पर, ठीक है। या जब भी आप कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, बेसिकली कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ मैं, गलत मतलब मत ले जाओ, आप अपने ख्यालों की दुनिया में दूसरी चीज़ें मत लोया करो, है ना, जो उस चीज़ के सपने देख रहे हैं, हम यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। बेसिकली इस तरीके के ड्रिंक्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, हार्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनके साथ आप लोग नमकीन खाते हैं, तो अलग अलग टाइप की नमकीन आती है। एक जिसमें केवल आलू भुजिया होती है तो आपको पता है कि हाँ भाई ये आलू भुजिया है। एक तड़का होती है पंजाबी तड़का या लच्छेदार तरीके की, उस पता है हाँ भाई ये ऐसी है। और एक आती है मिक्सचर, उस मिक्सचर के अंदर सब कुछ होगा, भुजिया टाइप का भी होगा, कुछ करारा टाइप भी होगा, मूंगफली भी होगी, है ना, पीनट भी होंगे, काजू भी होंगे, कैश्यू भी होंगे, बादाम भी होंगे, है ना, कच्चा बादाम उस तरीके, तो वो मिक्सचर सा हो जाता है सारा। आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे यार ये आखिरकार इसमें है क्या चीज़, एक मिक्स तरीके की चीज होगी। तो यहां पर ही पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी इसी तरीके की खिचड़ी सी पक जाती है, खिचड़ी पकाना कहते हैं, वो मिक्स हो गया। उसमें क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि द कैबिनेट एक्ट्स एज द लीडर ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट जो है ना वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों का ही रोल प्ले करने लग जाती है, दोनों के ही लीडर का रोल प्ले करती है, ठीक, इसको समझिए। तो ऐसे में जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो हैंस द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट गोज अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो इन दोनों में पार्लियामेंट जो है उसकी पावर को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है और एग्जीक्यूटिव अपने मेजोरिटी के बेस पर अपने सारे काम करवाने में जो है सक्सेस हो जाती है, सफल हो जाती है। तो इसलिए जो सेपरेशन ऑफ पावर था उसके सिद्धांत का उल्लंघन होता है। अब ये डिमेरिट्स हैं, इन सबको कैसे टैकल करना है, क्या अच्छा ही है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी बस आप समझ लीजिए कि डिमेरिट्स किस किस लिए गए हैं, ठीक है। अब एक और बताया गया कि गवर्न गवर्नमेंट बाई अमेचर्स, यानी कि अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का शासन। तो इन्होंने कहा कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंडक्टिव टू एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एज द मिनिस्टर्स आर नॉट एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, द प्राइम मिनिस्टर हैज ए लिमिटेड चॉइस इन द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक, हिज चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलोन एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एक्सटर्नल टैलेंट, एंड मोर ओवर द मिनिस्टर्स डिवोट्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू पार्लियामेंट्री वर्क, कैबिनेट मीटिंग्स एंड पार्टी एक्टिविटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस चीज को समझिए बड़े ध्यान से। ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में दिक्कत यह है कि एक तो वहां पर जैसे इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अगर हम देखेंगे तो एक तो एजुकेशन का कोई लेना देना है नहीं, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, इवन आपको चपरासी भी बनना है, ठीक है, तो भी उसके लिए कोई ना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगी दोस्त, और एग्जाम भी पास करना पड़ेगा, बहुत सारे टफ चीजों से गुजर करके जाना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश का सबसे बड़ा वर्क, सबसे बड़ा काम करने वाले लोग पॉलिसी मेकिंग का जो काम करते हैं, ठीक है, सरकार चलाने का जो काम करते हैं, उनके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी बन सकता। अब ये जरूरी नहीं है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो तो ही कोई पर्सन अच्छा जो है एक पॉलिटिशियन या होगा, विदाउट उसके भी हो सकता है, लेकिन रिसर्च ये बताते हैं कि जो एजुकेटेड है तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर अच्छे वे में चीजों को कंडक्ट कर सकते हैं, चीजों के बारे में सोच समझ करके काम कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज होती है, और दूसरी चीज ये होती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में देखा यह जाता है कि जो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स बन चुके हैं, मेनली वही मिनिस्टर
टाइम टू टाइम बार 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 वही अगली बार भी मिनिस्टर बन जाते हैं, दूसरी पार्टी में जा शामिल होकर के, फिर अगली बार किसी और पार्टी की लहर चलते हुए देखते हैं तो वो उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वहां पर मिनिस्टर बन जाते हैं। इंडिया में तो इसी तरीके की टेंडेंसी देखने को मिलती है कि आज एक पर्सन किसी एक पार्टी का हिस्सा है, उसको लगता है कि यार ये वाली पार्टी जिसका मैं पार्ट हूं, जिसके साथ मैं अभी समर्थन सपोर्ट दे रखा है, ये अगली बार नहीं जीतेगी तो सही टाइम है अपना कोट चेंज करने का, पाला बदलने का, तो वो दूसरी पार्टी में जाकर के उनके साथ शामिल हो जाते हैं, है ना। इसी तरीके से चीजें होती हैं। और आम तौर पर ये देखने वाला है कि नए लोगों को चांस बहुत कम मिलता है, बार 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 वही लोग जो हैं उसमें घूमते रहते हैं। अब ऐसे में उन सब का मेजर वर्क जो है, मेजर काम क्या है, वो इस चीज में नहीं जाता कि इंडिया को बेटर बनाने के लिए कैसे पॉलिसीज बनाएं, कैसे एग्जीक्यूट करें, वो तो बस चुनाव जीत करके कुर्सी पर बैठने तक की कोशिश करते हैं, उसमें जान लगाते हैं कि कैसे भी करके पोजीशन में आ जाएं, पावर में आ जाएं, सत्ता में आ जाएं, सीट ये कुर्सी ये हमारी हो जाए, उसके लिए वो संघर्ष करते हैं। और पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एग्जीक्यूट करना, इन सब के लिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वो छोड़ देते हैं कि चलो भाई ब्यूरोक्रेसी आईएएस वाईएएस हैं ये सारे के सारे, इनको किस लिए रखा है, ये इसीलिए तो है, ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इस तरीके की सोच रखते हैं नेता लोग। और वो अपने बिजी रहते हैं इस चीज में, वो केवल आदेश देते हैं, वो आएंगे और किसी आईएएस ऑफिसर या अपने जो उनका थिंक टैंक है उनको सपोर्ट करने के लिए जो सेक्रेटरी है उनको आकर के बोलेंगे कि देखो देखो बबुआ, हमरा संसदीय क्षेत्र में हम घोषणा करत रहे कि मुफ्त में बिजली पानी देंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली वो उनको आकर के बोल देंगे कि भाई मैंने अपने पार्लियामेंट्री जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर मैंने जाकर के ये प्रॉमिस किया था कि मैं सबको फ्री में बिजली पानी दूंगा, अब ये तुम्हारी बारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम देखो कि कैसे मेरा वादा पूरा किया जा सकते हैं, वादा मैंने किया निभाना तुम्हें है, है ना, निभाने का तरीका तुम्हें ढूंढना है, तुम बताओगे कैसे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं बस जाऊंगा, क्रेडिट लूंगा, भाषण दूंगा, नमस्कार करेंगे, कहेंगे और नमस्कार, जय जय हो, है ना, इस तरीके से कैसे हैं, इस तरीके से चीजें, पॉलिसी अच्छी बनी तो क्रेडिट ले लूंगा कि ये तो हमने, है ना, ये तो ये पॉलिसी तो हमने बनाई, ये तो हमारा विचार था। और अगर पॉलिसी खराब बनी तो उसका जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ठीक रहा, मैं तुम सेक्रेटरी लोगों पर फोड़ दूंगा, फिर जाकर के बोलूंगा कि हमरा नीति हमरा विजन तो बड़ा ही गजब का था भैया, पर का करें जो नौकरशाही ये सरकारी बाबू लोगन है, ये लोग कतई काम कतई निकम्मे किस्म के व्यक्ति हैं, काम ही नहीं करके देते, वो उसके ऊपर ठीकरा फोड़ देते। तो बेसिकली मेन जो एक्सपर्टी लाती है वो ब्यूरोक्रेसी लेकर के आती है, जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर नेता लोग जो वो केवल अपने भाषणबाजी और उस चीज तक लिमिटेड यहां पर रहते हैं, ठीक है। तो संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर कर सकते हो कि राष्ट्रपति शासन की क्या विशेषताएं हैं, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहले इन विशेषताओं को देख लीजिए, ठीक, कि यहां पर दोहरी कार्यकारिणी होती है, ड्यूल एग्जीक्यूटिव, जैसे मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, एक नॉमिनल एक रियल। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, केवल प्रेसिडेंट होता है, सुपर पावरफुल होता है, यहां पर आपको मेजोरिटी वाली पार्टी रूल करेगी, यहां पर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट अलग अलग वर्क करते हैं, दोनों के लिए कोई मेजोरिटी का कोई रूल है नहीं, यहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअली अलग से इलेक्ट हुआ है, कांग्रेस के ऊपर उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है क्योंकि जो सरकार बनती है उसी का ही बहुमत पार्लियामेंट में भी देखने को मिलता है, यहां पर क्या है कि राजनीतिक एकरूपता नहीं होती है। ये सारी की सारी चीजें कंपैरिजन आप देख लीजिएगा, आपको यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के मेरिट्स हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स हैं, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो मेरिट डिमेरिट हैं वो इसके जो मेरिट हैं वो इसके डिमेरिट्स हैं,
वाइस वर्सा है, इस चीज को आपको देखते हुए चल लेना है, ये सारी की सारी देख लेना है आप लोग, ये सब आपको मिल जाएंगे, यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब इतनी सारी समस्याएं थी, इतना क्रिटिसिज्म हुआ इसके बारे में, और इतना क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को ही क्यों एक्सेप्ट किया भाई, उसी को ही क्यों अडेप्ट किया, आखिर क्यों? जैसे होता है ना, कई सारी चीजें लाइफ में भी आपके होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं जिंदगी के अंदर कई सारी, कि कुछ चीजें होती कई किसी के साथ खूब सारे झगड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर भी उसी को ही लाइफ पार्टनर बना लिया जाता है ना। तो ऐसे ही इसके बारे में भी कहा जाता है कि भाई हमने इसको चुना क्यों, जब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी, तो उसकी कुछ रैशनैलिटीज जो हैं वो दी गई हैं। ये रैशनैलिटीज जो हैं बेसिकली उसका जो क्रिटिसिज्म किया गया था, डिमेरिट्स जो थी, उन डिमेरिट्स का आंसर है। सबसे पहला, फैमिलियरिटी विद द सिस्टम, व्यवस्था के निकटता है। इसका मतलब क्या है समझिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स वर समवट फैमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज इट हैड बीन इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स रूल। अब आप क्या करोगे, एक चीज समझिए, इसको मैं एक बड़े ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा, आप लोगों को मजा भी आएगा समझने में, आपसे रिलेटेड प्यार मोहब्बत वाला लेते हैं। अगर हम शादी की बात करते हैं, अब आपको ऑप्शन दिए जाए, दो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू, ये आपको दिए जाए, और अब आपसे कहा जाए कि देखो तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें विवाह करना है, और तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है। एक तो ऐसा ऑप्शन कि तुम किसी अननोन व्यक्ति से, अननोन पर्सन से शादी कर लो, अरेंज मैरिज कर लो, ऐसी अरेंज मैरिज जो हम बताएंगे, तुम हो सकता है उसको जानते हो या ना हो, हो सकता है उससे पहले कभी मिले ही ना हो। एक तो आपको ऑफर दिया जाए कि अननोन पर्सन से शादी कर लीजिए, और दूसरे में आपको कहा जाए कि आपको कोई पसंद है या आपका कोई फैमिलियर पर्सन है, आप जिसको जानते हैं उससे शादी कर लीजिए, ठीक है, आपका कोई फैमिलियर पर्सन है उससे शादी कर लीजिए। तो अब आप क्या करोगे, मैक्सिमम लोग, मेरे को पता है, उनका सिलेक्शन होगा ऑप्शन ए, वो अपने किसी पहचान वाले से शादी करना चाहेंगे, पहचान मतलब जिसको जानते हो, स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़े लिखे हों, है ना, या साथ में काम करते हो, वर्क किया हो, या रास्ते में आते जाते देख लेते हो, नैनो से आंखों के इशारे चलते हों, मतलब बहुत सारी चीज़ें पता हो जिसके बारे में। तो ऐसे में अगर आपको उनकी कुछ कमियां भी पता है, कि मान लेते हैं कि आपको कोई एक, आप एक लड़की हैं और आपको एक लड़का पसंद है, आपको लड़के में कई सारे गुण दिखते हैं, यार लड़का अच्छा है, आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके अलावा किसी और को पसंद नहीं करता, किसी और पे लाइन नहीं मारता, फ्लर्ट नहीं करता, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि वो ड्रिंकिंग करता है, कभी कभार कर लेता है, या उसमें एक और हो सकता है कि ड्रिंकिंग कोई एक ऐसा पर्सन हो जो ड्रिंकिंग व्रिंकिंग भी कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसमें एक खराब आदत ये है कि वो थोड़ा फैट इस तरीके का नहीं है जिस तरीके का आप आइडियलाइज करते थे अपने उसको, कि भैया सिक्स पैक हो, है ना, बहुत ही जो आप एक धारणा बना कर रखे हो कि इतना हट्टा पट्टा इस तरीके से जो नेब्राम टाइप का हो, वो हो सकता है कि वहां पर किक्कू सारदा जैसे हो, या अली असगर जो दादी का रोल करते कपिल, कोविड नाइट्स विद कपिल के अंदर, लेकिन बाकी चीजों में आप उनको जानते हो कि यार ये जेन्युइन पर्सन है, मेरे को ही पसंद करता है, मेरे साथ ही रहेगा जिंदगी भर, ठीक है, मैं इसको जानता, तो आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे बजाय के ऐसे पर्सन को जिसको आप जानते ही नहीं, हो सकता है कि उससे मिलो वो देखने में कैसा भी हो, लेकिन क्या पता कि वो आपके लिए लॉयल ही ना हो, 10 जगह रिलेशन हो, है ना, स्टड बन करके घूमता है, जो जितने ज्यादा लोग स्टड बनते हैं ना, वो आप देखना चीजों कई जगहों पर फिर हाथ होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि बैड हैबिट्स भी बहुत सारी हो, समझ रहे हो, आपने उसको टेस्ट नहीं किया बेसिकली, ये पर्सन जो वो टेस्टेड है, आपने उसको टेस्ट कर रखा है, तो इसकी कमियां और अच्छाइयां आपको पता है, तो आपको पता है कि इसकी जो कमियां हैं बुराइयां उसको हम कैसे
टैकल कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में तो पता ही नहीं। तो ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट जाकर के कुएं में पड़ने जैसा हो गया। अब ऐसा मत कर लेना कि कोई माँ बाप क्लास देख रहे हो या बच्चे अपने मम्मी पापा को क्लास दिखा रहे हो और वो कहें कि सर आप तो अरेंज मैरिज के खिलाफ हमारे बच्चों को भड़का रहे हो, अभी बताते हैं आपको करके, हम तो सपना देख रहे थे कि हमारे बच्चे हम जैसे पसंद करेंगे उससे शादी कर लेंगे और आप लोग इनको नए पाठ पढ़ा रहे हो। तो मैं वो नहीं बता रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, तुम अपने आप से करना, सहमति से करना, अपने मम्मी पापा अपने फैमिली परिवार से मिलजुल करके बातचीत करके फिर कोई भी डिसीजन लेना तब लेना, ठीक है। बोल दिया मैंने, अब पेरेंट्स लोग आप लोगों के सपोर्ट में भी बोल दिया, आप चिंता मत करो। तो ये चीज थी। तो ऐसे ही हमारे डेमोक्रेसी को भी था, डेमोक्रेटिक सिस्टम का भी था मेरे दोस्त। तो हम काफी टाइम से ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, तो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से वर्क करते थे, उनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, वहां से जो एक्ट बनते थे, उन एक्ट को बना करके इंडिया में एग्जीक्यूट किया जाता था, तो वो सिस्टम हम समझते थे अच्छे से, हमने एक्सपीरियंस कर रखा था उसका, और हमें पता था कि यार ये चीजें हैं, इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो जिससे हम फैमिलियर थे, जो हमें ज्यादा इजी लगा, सुटेबल लगा, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया भाई। हमारी सिचुएशन क्योंकि हम ऑलरेडी उसी में करते आ रहे थे, तो हमने उसको अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए हमने कर लिया, ठीक है। जैसे पिछले लेफ्ट काफी सारे जो संसदीय परंपराएं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस जो है वो पार्लियामेंट्री बने, तो उसको ही रखना था। अब उसके बजाय एकदम से नया अगर कोई सिस्टम अपनाते तो इंडिया के डेवलप कर पाता, हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता, कोलैप्स हो जाता वो पूरा का पूरा सिस्टम ही। फिर क्या करते भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपना लेते, पता चलते हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अलावा की बजाय उसकी जगह आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपना लेते, अध्यक्षीय शासन अपना लेते, और पता चला कि एक प्रेसिडेंट बन गया भाई भारत में, और वो फिर डिक्टेटर हो गया, फिर सी जिनपिंग की तरह वो भी कह रहा है कि मैं पूरी लाइफ टाइम इंडिया का प्रेसिडेंट रहूंगा, सब कुछ उसी के हाथ में पावर। फिर क्या करते, ठन ठन गोपाल, है ना, कुछ भी नहीं कर पाते। तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इसलिए हमने सोचा कि यार हम कोई नई चीज में क्यों जाए जब हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम है, हम उसी सिस्टम को बेटर बनाते हैं ना, अच्छा बनाते, एकदम से अलग से क्यों करें, यही चीज है, ठीक है। ऐसे ही होता भी है, ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर है या आपको कोई पसंद है, उसमें कोई कमी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको छोड़ दोगे कि यार हाँ तो कपड़े अच्छे नहीं पहनता, हाँ तो लिपस्टिक नहीं लगाती ना, इस तरीके से, हाँ तो सस्ते धस्ते नहीं हो, हाँ तुम तो घुमाने ही नहीं ले जाता। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उसको छोड़ ही दोगे कि चलो छोड़ दिया, ब्रेकअप खत्म मामला। तुम कोशिश करोगे ना कि यार चलो एक दो कमी इसको इंप्रूव कर लेते, सुधार लेते, ठीक कर लेते, टाइम के साथ चीजें बदल जाएंगी, है ना। तो ऐसे हमने भी प्यार कर रखा था, हमारा भी प्यार था, थोड़ा फैमिलियर थे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के, इसलिए आया। दूसरी चीज, प्रीफ्रेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता मिली। कैसे मिली इसको समझिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर पॉइंटेड आउट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ए डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस, स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली इट हैज बीन नॉट पॉसिबल सो फार टू डिवाइस ए सिस्टम विच कैन एंश्योर बोथ इन इक्वल डिग्री। द अमेरिकन सिस्टम गिव्स मोर स्टेबिलिटी बट लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द ब्रिटिश सिस्टम ऑन द अदर हैंड गिव्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट लेस स्टेबिलिटी। तो उन्होंने सेम ये चीज कही कि ऐसा होना चाहिए जो सरकार स्टेबल भी हो और रिस्पॉन्सिबल भी हो, स्थायी भी हो और उत्तरदायी भी हो। तो अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों ही एक एक चीज की तरफ ज्यादा अधिक झुके हुए हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट स्टेबल है, वहां का एग्जीक्यूटिव स्टेबल है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लेकिन स्टेबल नहीं है, कभी भी गिर सकती है, ठीक है। यह चीज इन्होंने कहा, तो ऐसे में इन्होंने इंडिया के लिए क्या किया, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन रिकमेंडिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज preferred more responsibility to more stability, ठीक है।
तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी तो फिर भी देखी जाएगी लेकिन रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन वो जो स्टेबिलिटी के नाम पर इंडिया में डिक्टेटर बन गया तो यार वो तो तबाही मचा देगा, ठीक है, वो तो कभी भी हमारे देश का डेवलपमेंट होने नहीं देगा, फिर वो तो इंडिया का सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, पीपल्स को सिटीजन्स को तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आने दे सकते हम इंडिया में, इसलिए जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग भी मैच्योर होंगे, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आएगी तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, और ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं इंडिया के अंदर, इसलिए हमने इसको अपनाया। एक और चीज़ जो है उस चीज़ को समझिए, क्या समझ, कि नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे ना वो बड़े समझदार थे, मेरे को लगता है कि उनसे ज़्यादा समझदार इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं रहे हैं इंडिया में, और पैट्रियोटिक देशभक्त, देश के लिए कुछ भी करने वाले और विजनरी, अच्छा बड़ा विजन रखने वाले पर्सन, ऐसे पर्सन बहुत कम ही बाद में हुए इंडिया में, ये दुर्भाग्य रहा हमारा, मिसफॉर्चून कह सकते हैं, जो उस टाइम थे वैसे इस तरीके के नहीं रहे। तो उन्होंने ये सारी चीजें देख ली थी कि इंडिया में क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है, तो उन्होंने अमेरिका से इसका सिस्टम देख रखा था, ठीक है, और अमेरिका के सिस्टम में उन्होंने ये देखा कि द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव विच आर बाउंड टू ओक्योर इन प्रेजिडेंशियल सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया। उन्होंने देखा कि यार यूएसए के अंदर तो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही एकदम बिल्कुल सेपरेट है। अब ऐसे में लेजिस्लेचर को कोई काम करवाना है तो प्रेसिडेंट मना कर दे, प्रेसिडेंट को अगर वो पसंद नहीं है तो वो काम होगा ही नहीं, अगर प्रेसिडेंट को कोई बिल पास करवाना है, कोई पॉलिसी बनवाने के लिए कुछ पार्लियामेंट की हेल्प चाहिए और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर को पसंद नहीं है तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा, मामला ही खत्म, दोनों के बीच में बड़ा खतरनाक विवाद है, डिस्प्यूट है। हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश में तो काम ही नहीं चल पाएगा, प्रॉब्लम ही होती रहेंगी। तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि यार अभी हम है ना नहीं नहीं आजाद हुए, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम है हमारा, तो पैदा ही हुए यार अभी तो, और पैदा होते ही ऐसे बड़े बड़े विवाद डिस्प्यूट हम झेल नहीं पाएंगे, तो इस तरीके के खतरे को हम सहन नहीं कर सकते जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं, जिसके बारे में हम फैमिलियर भी हैं, उसकी मेरिट डिमेरिट दोनों पता है, डिमेरिट्स को हम टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल कर लेंगे और वहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, और जब हम अभी आजाद हो रहे हैं, अभी हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो हमें इस टाइम फास्ट ग्रोथ की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है ना, फास्ट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ऐसे में अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में लड़ते रहेंगे तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होगा, दोनों एक दूसरे का मिक्सर होंगे, तो इनके लिए इजी हो जाएगा कोऑर्डिनेट करना और पॉलिसीज को बनाना और उनको इंप्लीमेंट करवाना, ये हो जाएगा। एक और चीज कहा, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इसको भी समझ लेते हैं। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट्स एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, तो ये सच्ची बात है मेरे दोस्त, है ही ऐसा, इंडिया में तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ना मेरे दोस्त, हर रिलीजन के लोग यहां पर हैं, हर कास्ट के लोग हैं यहां पर, इतनी सारी लैंग्वेजेस के लोग हैं यहां पर, इतने सारे एरियाज हैं, इतने सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, रीजन, उनके बेसिस पर खाने की पसंद, खाने पहनने की पसंद, आइडियोलॉजी, अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजीज, कहने का मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है कि इन सब के कारण इंडिया बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जो है वो इंडिया यहां पर हो गया है। तो ऐसे में हमें ये समझ में आया कि हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें लोगों की भावनाओं को जगह देने के लिए, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, जिसके बेसिस पर हम इंडिया की सोसाइटी को यूनाइटेड, यूनिटी में बना करके रख सकते हैं, उन सबको अच्छे अच्छे राइट्स, इक्वल राइट्स
दे सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर रही। और उसके बाद टाइम टू टाइम समय समय पर इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर के 1970s में खास करके कमेटीज़ बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी। उन्होंने विचार या उन्होंने भी कहा कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, इंडिया में बहुत बढ़िया है, अच्छे से वर्क कर रहा है, इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी वही कमेटी थी जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी रिकमेंडेशंस पर मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से। तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर के भी रिकमेंड किया कि द कमेटी ओपेंड दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन डूइंग वेल एंड हैंस देयर इज़ नो नीड टू रिप्लेस इट बाई प्रेजिडेंशियल सिस्टम। इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया है, जैसा भी है ठीक है। तो ये तो होगा क्रिटिसिज्म का जवाब आपका। अब मुद्दा ये आता है, कई बार सबको लगता है कि यार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ से लिया, ब्रिटिशर्स से लिया है ना, ब्रिटिशर्स उन्होंने हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दिया है। वो बोलते भी है ना कि हमने आपको, ब्रिटिशर्स कई अभी भी बोलते हैं कि इंडिया ने हमसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमसे लिया, हमसे इंस्पायर होकर के बनाया। तो ये चीज़ समझना कि हमने उनको कॉपी नहीं किया है, इंडिया चीज़ों को लेता है लेकिन उसमें इंडियननेस के साथ लेता है, उनको अडोप्ट करता है, डायरेक्ट एज इट इज़ कॉपी नहीं करता है, कॉपी कैट नहीं है। अगर कुछ कॉपी कर भी रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कोई इंडियननेस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करके डाल देते हैं। तो इसीलिए ये कंपेरिजन करना बड़ा जरूरी हो जाता है, रिक्वायर्ड हो जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है, क्या हमने एज इट इज ले लिया। तो इसका आंसर समझना मेरे दोस्त, बहुत बड़ा अंतर है, ह्यूज डिफरेंस है दोनों के अंदर। दोनों है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लेकिन एज इट इज सेम नहीं है, बड़ा अंतर है। क्या क्या अंतर है, उन अंतर को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो इस चीज को देख लेना है। कभी भी आपसे कहे ना कि यार कॉपी है, नकल है ब्रिटिशर्स की, तो रेप्लिका नहीं है, ठीक है, गर्व से बोलना कि कोई रेप्लिका नहीं है, कोई वो तुम्हारी कॉपी नहीं है, हमारा अलग है। देखो हम बताते हैं आपको क्या क्या अलग है। सबसे पहली चीज, इंडिया हैज ए रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमारे भी नॉमिनल हेड है, तुम्हारे भी नॉमिनल हेड है ना, हमरा भी इलेक्टेड पीएम है, तुमरा भी इलेक्टेड पीएम है। ये बात ठीक है भाई कि ब्रिटिशर्स में नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड दो अलग अलग है, इंडिया में भी नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव अलग अलग है। बट इफ एंड बट आता है ना, लेकिन यहां पर डिफरेंस आ जाता है। यहां पर क्या डिफरेंस आता है इसको समझिएगा। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत, और अगर हम ब्रिटेन की बात करें, तो इंडिया के अंदर जो नॉमिनल हेड है ना, या हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। और जो रियल हेड है वो कौन है, वास्तविक अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन में कौन है नॉमिनल हेड, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में है वहां के क्राउन, वहां की महारानी, और रियल पीएम ही है। अब देखने में तो बड़ा सिमिलर लगता है लेकिन ये चीज समझना, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ये मेरे दोस्त इलेक्टेड होते हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट किसी के लिए रिजर्व्ड नहीं है। कहते ना कि किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है कि उन्हीं की फैमिली के लोग बनते रहेंगे। लेकिन ब्रिटेन की तरफ जरा देखो, जरा इस क्राउन को देखिए, यहां पर जो ताज है, रॉयल फैमिली के पर्सन ही वहां पर उत्तराधिकारी बनते हैं, डायनेस्टी चलती है पूरी, रॉयल ब्लड के अलावा कोई भी वहां पर किंग एंड क्वीन नहीं बन सकता। एक परिवार का दबदबा है, राज है, दादागिरी है, वही बनेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। इलेक्टेड नहीं है, लोगों ने उनको चुन करके नहीं भेजा है। और हमारी जो हाइएस्ट पोस्ट है वो भी इलेक्टेड है, वो अलग बात है कि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है।
अब इनडायरेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ उल्टा सीधा, इनडायरेक्ट का मतलब है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जितनी भी विधानसभाएं, ठीक है, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोलते हैं, SLAs, ठीक है, ये इन सब के इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि एमपी और एमएलएज, इलेक्टेड एमपी और एमएलए जिनको किसने चुना, जिनको आपने चुना, आपने उनको चुना तो उन्होंने प्रेसिडेंट को चुना, तो अल्टीमेटली आपके ही तो चुने हुए लोगों ने उनको चुना, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और कोई भी पर्सन बन सकता है। तो हमारे यहां पर जो है गणतंत्र है मेरे दोस्त, रिपब्लिक है हम, ठीक है, रिपब्लिकन सिस्टम है, ब्रिटेन मोनार्कियल है। तो अगली बार से कोई ब्रिटेन वाले वो बड़े क्रिटिसाइज करते हैं ना आपको और हम सबको, इंडिया को लेकर के खास करके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तो अगली बार क्रिटिसाइज करें तो बोलना कि भाई हमारे वी ऑल इंडियन सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स, है ना, किसी के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है हमारे पास कि एक ठेका दे दिया कि भैया ये पोस्ट तो बस केवल एक ही परिवार की रहेगी, तुम्हारे में देखो, ठीक है, हमारे यहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स मिलती हैं। दूसरी चीज जो सेम यही चीज अगर यहाँ पर देखें, ये इधर हिज हाइनेस जो होते हैं, भारत में तो हमने राजा महाराजाओं को कब का खत्म कर दिया था और उनका जो सम्मान, उनको जो एक्स्ट्रा स्टेटस दे रखा था उसको भी प्रीवी पर्स वाले जो मामले थे उसके अंडर में एक्ट बना करके इंदिरा गांधी ने उसको भी अबोलिश कर दिया था, ठीक है। तो अब इंडिया में तो डेमोक्रेसी, हाँ इंडिया में एक अलग तरीके की प्रवृत्ति जो है वो उभर करके आने लगी है, थोड़ी अलग तरीके की, उसको हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे, और वो है डायनेस्टी, वंशवाद की राजनीति, ये भारत के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। और ये डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स जो है ना, इसने हमारे इंडिया के अंदर अच्छे लीडर्स को जो है उनको आगे आने नहीं दिया। डायनेस्टी में क्या होता है कि एक फैमिली में अगर कोई बड़ा मिनिस्टर या बड़ा वो बन गया एक पर्सन, तो वो जो कोशिश करता है कि उसका बेटा या उसकी बेटी या उसकी पत्नी या उसका भाई वही लोग पॉलिटिक्स में रहें, वही उनकी पार्टी को संभालें, चाहे वो कैपेबल हो या ना हो, योग्य हो या ना हो, है ना। बड़ा दर्द होता है जब आप योग्य हैं और आपको आपकी योग्यता के लिए सराहा ना जाए, ये डायलॉग है ना इस तरीके से मारा जाता है मिर्जापुर में, शायद मुन्ना भैया कौन है वो डायलॉग मारते हैं। तो जो रियलिटी में काम करने वाले, जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले जो वर्कर हैं, लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती आगे जाकर काम करने के लिए। इसीलिए तो आज की सिचुएशन देखो मेरे दोस्त, आज इंडिया में करंट जो गवर्नमेंट है उसका कोई सब्स्टिट्यूशन दिखाई देते हैं कहीं पर आपको? नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में जिस कद पर, जिस कद काठी पे हैं, उनके इक्वलेंट पूरे इंडिया में कोई अपोजिशन की पार्टी में कोई भी ऐसा पर्सन दिखता है कि जो उनके बराबर के कद काठी रखता हो? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लीडर जो आ रहे हैं, युवा नेता अपने आप को यंग बोल रहे हो, सब कौन से हैं? उनके बाप दादा वो पॉलिटिशियन होते थे, उन्होंने स्टार्ट किया, वो बड़े अच्छे थे, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है वो उतनी खास नहीं है। चाहे आप जितनी भी डायनेस्टीज है उठा करके देख लो, हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई एक परिवार ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम, उस डायनेस्टी वाली को हम बाद में जब आगे के चैप्टर आएंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक। अब एक और चीज जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, इंडिया और ब्रिटेन के सिस्टम के अंदर, वो है द ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर चलता है, संसद की संप्रभुता, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि भाई पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट पास कर दिया, कोई भी लॉ बना दिया, कोई भी काम कर दिया, तो ब्रिटेन के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है जो उसको रिवर्स कर दे। अगर पार्लियामेंट खुद को छोड़ करके जो उसको नल एंड वॉइड कर दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दे, ना वो तो पत्थर की लकीर है ना, स्टोन पे लिखे हुए वर्ड्स है, वर्डिंग है कि भैया ये बोल दिया पार्लियामेंट ने, कर दिया तो कर दिया, ये तो यही होगा। जैसे आप बोलते हैं ना, डायलॉग मारते हैं,
कि जुबान की ही कीमत है, है? बोलो जुबा केसरी, जुबान से नाम ही आता है, बोलो जुबा केसरी। आजकल एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे आ रहे हैं, आजकल इंस्टाग्राम पर बड़ी मस्त मस्त रील्स बनती है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अब से थोड़ा एक क्लासेस से थोड़ा फ्री हो जाऊँ महीने डेढ़ महीने बाद, फिर मैं भी सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पर मैं भी आपके लिए कुछ फनी फनी रील्स लेकर के आऊँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा आप सबका भी, थोड़ा हमारा भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि पार्लियामेंट सोवरन है, उसके डिसीजन को ओवर रूल नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट सोवरन नहीं है भाई। इंडिया में तो अगर आप बात करेंगे, वाइल द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया एंड एंजॉयस लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर्स ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स, इन सब चीजों के कारण संसद सर्वोच्च नहीं है। पार्लियामेंट इंडिया के अंदर अगर कोई एक्ट बनाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू करके जुडिशियरी उसको नल एंड वॉइड कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगी, खत्म हो जाएगा मामले। अब जब ऐसा एक्ट खत्म हो गया, उसके पावर को, उसके किए गए काम को ओवर रूल कर दिया गया, तो सुप्रीमेसी कहां से आई? नहीं है ना, चेक एंड बैलेंस काम करता है इंडिया के अंदर, ब्रिटिशर्स की तरह नहीं है। तो बिल्कुल अलग सिस्टम है हमारे, है ना। यहां पर डिक्टेटर नहीं बन सकता है, डिक्टेटर बनने की पॉसिबिलिटी कम रहती है प्राइम मिनिस्टर की, ब्रिटेन में ज्यादा रहेगी। अगर कोई फुल मेजोरिटी की आ गई तो अपनी मर्जी से कोई भी चेंज करा सकता है, ठीक है। और चीज समझिए, जब हम अमेंडमेंट की भी बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट की भी बात कर रहे हैं ना, तो अमेंडमेंट को भी एक बार जरा ले लीजिए। अमेंडमेंट दोनों में ही, ब्रिटेन में भी और इंडिया में भी, पार्लियामेंट को माना जाता है, बेसिकली पार्लियामेंट ही करता है। इंडिया के, ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना बड़ा इजी है, कोई नॉर्मल एक्ट या लॉ बन गया उससे ही कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो जाता है। लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए भी तीन प्रोसेस रखी गई हैं, एक तो सिंपल मेजोरिटी वाला, और दो प्रोसेस आर्टिकल 368 के अंडर में रखी गई हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को चेंज करने के लिए बड़ा ईजी नहीं है भारत के अंदर, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, है ना। तो वो भी एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, शायद हो सकता है बुक में ना हो इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। एक और डिफरेंस है कि इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी ए मेंबर ऑफ लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटेन में है। देखिए भारत में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ऐसे ही अमेरिका में अपर हाउस सीनेट, लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे ही ब्रिटेन में अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है और लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ द पार्लियामेंट। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर मे बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन में तो अगर आपको पीएम बनना है तो आपको लोअर हाउस का ही मेंबर बनना पड़ेगा, और इंडिया में क्या है, इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी बन जाते हैं, मेंबर भी ना हो तो भी बन जाएगा, छह महीने का टाइम दे देते हैं, है ना, कि चलो दिया छह महीने का टाइम। कोई पर्सन है जो अब इलेक्शन आ गया, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था, बना सकती थी पार्टी उसको, लेकिन वो इलेक्शन आ गया, फिर भी प्रोविजन है कि सिक्स मंथ तक आप पीएम बनो विदाउट मेंबर बने भी, लेकिन विद इन सिक्स मंथ आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट की, और वो आप कहीं पर भी ले सकते हैं, लोकसभा से भी ले सकते हैं, राज्यसभा से भी ले सकते हैं, और इंडिया में राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। इसका एग्जाम्पल आपको आंसर में लिख करके देना पड़ेगा, जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सोने मोने से, गोलू मोलू से, है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे सारे के सारे कि कौन कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, रहे हैं इंडिया में, जो राज्यसभा के मेंबर्स थे अपने प्राइम मिनिस्टीरियल टाइम पर, कि राज्यसभा के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बने, कमेंट बॉक्स में बताना आप सब लोगों को, आपका होमवर्क है ये, ठीक है। चलिए, तो ब्रिटेन में तो वो होगा, इंडिया में किसी भी हाउस से हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, तो एक डिफरेंस भाई यहां पर हो गया, ठीक है। अब यूजुअली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स इन इंडिया, इन ब्रिटेन, बट इन इंडिया ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ सिक्स मंथ। ब्रिटेन में जो हाउस के मेंबर है उन्हीं को ही मिनिस्टर बनाया जाता है,
यूजुअली कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शन वाला केस ना है, एक्सेप्शन वाली चीजों को छोड़ कर। इंडिया के अंदर तो भाई आप फ्री हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने तक विदाउट मेंबरशिप के भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के अंदर विद इन 6 मंथ आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ये एक अंतर है ना। ब्रिटेन हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स व्हाइल इंडिया हैज नो सच सिस्टम। ब्रिटेन में मंत्री कानूनी रूप से जिम्मेदारी लेते हैं, भारत में नहीं लेते, बिल को लेकर के, एक्ट को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर के वो लीगली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, इंडिया में नहीं होते हैं, है ना। अनलाइक इन ब्रिटेन द मिनिस्टर्स इन इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द मीड ऑफ द स्टेट, है ना। ये चीज करने की भी यहां पर रिक्वायरमेंट इधर नहीं होती है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको समझना। शैडो कैबिनेट इज एन यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम विच इज इट इज फॉर्म्ड बाय द अपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट एंटी टू प्रिपेयर इट्स मेंबर्स फॉर फ्यूचर मिनिस्टेरियल ऑफिस। देर इज नो सच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में इस तरीके का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना है। ब्रिटेन में ये एक अच्छा सिस्टम है, ठीक है, शैडो कैबिनेट का जो है एक अच्छा सिस्टम आपको देखने को मिलता है। क्या है इसको बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलना मेरे सारे के सारे प्यारे मित्र। ब्रिटेन में गवर्नमेंट बनती है रूलिंग पार्टी की, तो उसकी जो अपोजिशन पार्टी है ना वो भी एज इट इज सेम डिट्टो रूलिंग पार्टी के जैसा ही कैबिनेट जो है बनाता है, उसको शैडो कैबिनेट बोला जाता है। जैसे आपकी परछाई आपके साथ साथ चलता है ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, है ना। इंडिया के गाने, इंडियन बॉलीवुड मूवीज के गाने हर जगह फिट होते हैं, है ना। जहां जहां जाओगे आपका साया आपके साथ साथ चलेगा, तो आपकी परछाई आपके साथ रहेगी, जैसा आप करोगे वैसे ही आपकी परछाई करेगी, आप नाचोगे आपकी परछाई भी नाचेगी, है ना, एक्ट करते हुए दिखेगी। तो ऐसे ही ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट बनाया जाता है, रूलिंग पार्टी कोई भी पॉलिसी बनाती है वैसी ही सेम उसी इशू को लेकर के एक पॉलिसी अपोजिशन पार्टी भी बनाती है, और वो उसको प्रेजेंट भी करते हैं, वो बताती है कि देखो हम होते तो हम ये चीज़ें करते, गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के अंदर ये फोल्ड्स हैं, इसको इंप्रूव कर लेना चाहिए। अल्टीमेटली उस शैडो कैबिनेट का बेनिफिट वहाँ की रूलिंग पार्टी को हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, कुछ गलतियाँ वो करने वाले होते हैं गलतियों से वो बच जाते हैं, देश के विकास के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से वो लोग काम कर जाते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही अपोजिशन भी एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं अपना, जो जो रियल प्राइम मिनिस्टर है रूलिंग पार्टी के, उसके तरह ही उसके वो भी उसके जैसे ही वर्क करने की कोशिश करते हैं अपनी पार्टी के लिए, कि भैया किस इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का क्या विचार रहा, क्या उनकी आइडियोलॉजी रही, क्या उस सोचते थे, क्या करते थे, वैसा ये भी बताया गया कि हम होते तो क्या करते, हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट रहा, भारत में ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, हालांकि इसको एक्सपेरिमेंटल स्टेज में यूज किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, आम आदमी की अगर देखें अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, वहां पर आपको शैडो कैबिनेट की कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं है, जबकि हो जाना चाहिए, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा वो है। तो यहाँ तक की चीज़ें थी। अगर आप मेरे प्यारे दोस्त, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मेंस के अंदर भी बन सकता है, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी Have its own demerits, have its own problems, and at the eve of independence, we know these demerits of parliamentary form of democracy. But after knowing that also, है ना, we finally adopted the parliamentary form of democracy itself. Why? Critically evaluate. एक लंबा सा क्वेश्चन, यानी वो कह देंगे कि भाई आपके संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली जो है, इसकी कुछ अपनी ही समस्याएं हैं, और आज़ादी के समय हमें इन समस्याओं के बारे में पता था, उसके बावजूद हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, इसके पीछे के
कारणों की तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें आपको सारी चीजें पहले बता देनी है, क्या क्या डिमेरिट्स रही, क्या क्या कमियां थी, फिर आपको बता देना हमने क्यों अडोप्ट किया, उसके बेनिफिट्स क्या क्या रहे, है ना, वो सारे के सारे हमने क्लास में डिस्कस कर दिया था, आप उसमें आराम से इजिली कर सकते हो। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बहुत ही आराम से प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिए जाएंगे कई सारे क्वेश्चन, तो उनको मैं आपको बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा, अभी तो क्लास के मिड में भी मैंने प्रैक्टिस कराए थे, अगर आप कहोगे तो मैं आपको अभी भी प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन अभी उसको छोड़ दें क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सेशंस मेरे को रिकॉर्ड करने हैं, मेरी वाट लगी पड़ी है, आप जानते नहीं हैं, अभी बहुत बुरा हाल है आप सबके लिए, डेली कई सारे सेशन रिकॉर्ड करना ऐसी गर्मी में, भयंकर गर्मी में इसी काम नहीं कर रहा तो अभी तो आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं कि आप लोग वो क्या पॉलिटी में कंप्लीट करा दूँ जल्दी से जल्दी, चाहे फिर आप लोग लाइक शेयर करें या ना करें, अब क्या करें, हम तो करना पड़ेगा ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग अगर हमारे दोस्त हैं, अच्छे हैं, चाहते हैं हमें, आपको भी हमसे उतनी मोहब्बत है जितनी मोहब्बत हम आपसे करते हैं, तो आप लोगों को भी लाइक शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना पड़ेगा, शेयर करो तो वो जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे क्लासेस धमाधम आती चली जाएंगी, खूब सारी क्लासेज होंगी, कोर्स रुकेगा ही नहीं बीच में, कभी स्टॉप ही नहीं होगा, रेगुलर आएगा, लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते ना तो ऊपर से ऑर्डर आता है कि भैया बंद कर दो, है ना, छोड़ दो इसको और हमारा भी मोटिवेशन नहीं रहता है। तो आप उसको शेयर करें कम से कम, ताकि जो रियलिटी में एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी आपको करवा रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले। आप तो एग्ज़ाम इसी से पास होंगे, शॉर्ट ट्रिक से एग्ज़ाम पास नहीं होंगे, एक बार डिटेल चीज़ें समझना पड़ेगा तब जाकर के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो लाइक शेयर कीजिएगा, खूब जगह पर शेयर कीजिए, रेगुलर क्लासेज आएंगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पूरी बुक की पीडीएफ फ्री में डाल रखी है, टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, ठीक है, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला को जा करके ज्वाइन कर लीजिए सारे के सारे मेरे दोस्त अभी के अभी, ठीक है, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, मेरी सारी क्लासेस के लिंक मैं वहां पर क्लास स्टार्ट होने से पहले डाल देता हूं, तो आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, नोटिफिकेशन वहां से मिल जाएगा आपको, हमसे बात भी कर पाएंगे। और अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, एडमिशन लेना है मेरे दोस्त, तो आप भी ध्यान रखिए, इस रेफरल कोड को यूज़ कीजिए यार, LYLIVE, जब भी कोर्स लें अनअकैडमी का तो ये कोड लगा करके लीजिए, आप इस कोड को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे कोड्स यूज़ करते हैं जहाँ से आपको कोई पर्सनल गाइडेंस मिलती ही नहीं है, डायरेक्ट टीचर से बात ही नहीं हो पाती है, होगी भी तो वो गाइड नहीं करेंगे रेगुलर आपको। और जबकि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को खुद कॉल अटेंड करता हूँ, खुद बात करता हूँ, कॉल बैक भी करता हूँ, गाइड भी करता हूँ हर चीज़ में रेगुलर, फिर उसके बावजूद भी उनको लगता है कि अरे यार ये तो वेला ही है, टीचर तो वो होगा, अच्छा टीचर तो वो होता जो टसन में रहे, महान रहे, जिससे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े 10-12 महीने के इंतजार के बाद उनसे मिलने का, हो ना, फिर वो लगता है हाँ ये है टीचर, इसके लिए इनके कोर्स लेंगे, ठीक है। तो वो आप सबकी मर्जी है भाई, हम तो अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, उनको हेल्प करते हैं, गाइडेंस देते हैं, अगर आपको उसको चाहिए कि भाई आपको पर्सनल गाइडेंस मिले एक टीचर की मिले, तो ये कोड यूज़ करना, डिस्काउंट भी मिलेगा, बुक्स भी मिलेंगी, सारे टीचर्स की क्लासेस भी मिलेंगी, और सबसे वैल्यूएबल चीज़ पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, इस चीज़ को लिख करके ले लीजिए आप, ट्राई कर लेना, यहाँ से आपको रेगुलर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी 1-on-1, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है टीचर की पर्सनल गाइडेंस, मैनेजर असिस्टेंट की नहीं, टीचर की, तो वो यहाँ से मिल जाएगी आपको, टेस्टेड है, ट्राई कर लेना। तो इसलिए जब भी कोर्स लेना तो कहीं से भी कॉल आए उनको बोल देना कि हम इसी कोर्स से लेंगे भाई, LYLIVE से लेंगे, ठीक है। चलिए तो आप सबसे मिलते हैं अगली क्लास में, अब डेली आपके लिए धमाधम बहुत सारे सेशन आते रहेंगे, तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आप सबको मेरी तरफ से, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।